कैसे हैं हंजला? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बताइए, सब कैसा चल रहा है? मैम बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। कुछ घर पे सब फैमिली ठीक? अपने घर में तो ठीक है, लेकिन ये है कि आगे पीछे रिलेटिव में काफी हमारे वहाँ पे केसेस आ रहे हैं, तो काफी डेथ भी हुई है अभी। तो मैं आया था मंडे वाले दिन लाहौर वापस, लेकिन फिर मैं वापस आ गया हूँ अटक, तो मैंने चला फिर अब कल परसों शायद दोबारा वापस आऊँ। अच्छा ठीक। मंडे को आप आए तो अगले दिन फिर आप वापस चले गए? जी मैम, अच्छा, क्यों, कोई प्रॉब्लम हुई थी? वो फूफो की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, कोरोना नहीं था उनको, लेकिन ये है कि वो हार्ट इशू हो गया था कोई, वो छा तो उनको वो शुगर और वो बीपी की पेशेंट है, तो अच्छा ठीक। तो वो ये तो आजकल तो हॉस्पिटलाइजेशन बड़ी क्रिटिकल हो गई है, कहीं जगह ही नहीं है। यस मैम यही इशू था, बड़ी मुश्किल से वो मिले था। तो फिर यही है कि मैं भी 3 4 दिन उधर ही था, सिम्स में इस्लामाबाद, वो कोई अच्छा कोरोना की वजह से एडमिट ही नहीं करता, तो वो बड़ी मुश्किल से आगे पीछे से लिंक करवा के तो करवाना पड़ता है। अच्छा, तो आप बेहतर हैं? जी मैम, आप तो घर आ गए हैं। अच्छा ठीक। तो चलें, आई होप के इम्प्रूव हो जाएं जल्दी। इंशाल्लाह जी आतिर, क्या सूरत हाल है? शाहजेब। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछ रही थी कि क्या सूरत हाल है आपकी तरफ? मैम आइडिया तो है मेरे पास, आप कहती है तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं जनरली पूछ रही थी आइडिया, आप उसके फौरन बाद बता दें। मैं पूछ रही थी सब खैरियत है? ऑलराइट, जी जी मैम, सब बिल्कुल अलहमदुल्ला सब सही। तो आप क्या म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ और शूट कर रहे हैं? मैम अब जो मंडे को है वो कमर्शियल है, कल जो है इससे पहले दो, एक नाथ थी और एक म्यूजिक वीडियो थी। तो लाहौर में शूट हो रहे थे ये? जी एक शाही किला में था और एक हमारा यहाँ पे बेदिया रोड पे एक लोकेशन थे, तो जो हमारी वो नाथ थी किले वाली वो परसों रिलीज हो जाएगी, और जो वीडियो सॉन्ग था वो चांद रात को होगा। अच्छा, वो किस किस्म के सॉन्ग्स हैं? मतलब ईद ईद से रिलेटेड सॉन्ग है कोई, या वैसे ही सॉन्ग है? अच्छा, बस फेस्टिव है, ईद के फिर रिलेटिव ही है, बस इस तरह से बेस वो पेशावर पे है, मतलब पश्तो सॉन्ग है। पश्तो सॉन्ग है। तो कौन है जी डायरेक्टर? वलीद इकराम डायरेक्टर थे, मैं उनका एसोसिएट था, तो और अली जफर थे साथ, गुलपान रा जो सिंगर है वो थे। अच्छा, तो अली जफर जो है वो पश्तो में गा रहा है? अच्छा जी मैम, वो जो मैंने आपको क्लिप भेजा वो उन्हीं का गया हुआ। अच्छा ठीक। वेरी नाइस, चलें, दैट्स गुड। अच्छा चलें ठीक है। और जरनैन, आपकी खैरियत है? आपके कल किस कौन बीमार हो गया था अचानक? अस्सलामुअलैकुम मैम। जी मैम अच्छा खैरियत है, अब चाचू बीमार थे। तो अभी वो हॉस्पिटल से वापस आ गए कि वहीं है? नहीं मैम, वो अभी एडमिट है, उनको अभी वहीं पे एडमिट रहेंगे वो कुछ टाइम, अभी तक तो डॉक्टर्स ने कुछ टाइम बताया। अच्छा, तो
आई होप के ही गेट्स वेल सून। यस मैम एंड सर थैंक यू सो मच जी। जवाद आतिफ कायनात सब ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम जी, ऑल गुड, सब ठीक है जी। अच्छा चलें, दैट्स नाइस। जी कायनात? जी मैम बिल्कुल ठीक, सब ठीक है, थैंक यू। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी फैमिली वगैरह के बारे में पूछ रही थी क्योंकि वो तो यहाँ रहते भी नहीं हैं। मैं अभी तो इधर ही हूँ, मैंने जाना था घर, मैं चाहूंगी कुछ दिनों में। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, अदरवाइज तो खैरियत है ना सब? जी जी ओके। और जवाद? ऑलराइट, अच्छा चलें ठीक है। हम फिर शाहजेब आप बताइए क्या सोच रहे हैं। जी मैम, मैम स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि लड़की, आवाज आ रही है सबको? जी जी आ रही है। जी जी, एक लड़की होगी जो घर में, कैमरा जो ओपन होगा वो ऐसा होगा कि वो कमरे से सिर्फ निकल रही है और उसने शीशे में अपने आप को देखा, उसने निकाब किया, घबराई भी है काफी। वो बाहर निकलेगी और एक रक्षे को रोकेगी, रक्षे में बैठेगी और रक्षे से चलते चलते एक दो गलियां छोड़ के वो एक जगह उतरेगी और उतरते ही रक्षे से रक्षे वाले को पैसे देगी घबराते हुए और अपने लेफ्ट राइट देखेगी कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। जल्दी से नॉक करेगी और दरवाजा खुलेगा और अंदर घुसती है। और जैसे ही अंदर घुसती है तो सामने एक डायरेक्टर खड़ा होता है और उसका एडी कहता है कि मैम आप फिर लेट हो गई। और वो अबाया वो फौरन उतारती है, निकाब उतारती है और नीचे से एक बड़ी वेस्टर्न लुक में एक लड़की निकलती है और एक जल्दी से मेकअप आर्टिस्ट आता है, उसको टचअप करा देता है और वो अपने फ्रेम में जाके खड़ी होती है और एडी बोलता है रोल कैमरा एंड एक्शन। तो यहाँ पे वो फ्रेम हमारा क्लोज हो जाएगा। ये मैंने जरा वन कट में सोचा। आप श्योर हैं कि इतनी मूवमेंट आप मैनेज कर लेंगे? जी मैम थोड़ी सी हमने ब्लॉकिंग की थी, आतिफ और मैं कल रात को बैठे थे तो वो आतिफ का स्टूडियो है एक तो मॉलडाउन में, उसको हमने सोचा था कि हम उसको वो एक सेटअप बना देंगे कि जहाँ एक शूट हो रहा होगा और इसके पीछे ही तीन चार गलियां छोड़ के एक उसके दोस्त का भी घर है, तो हम वहां से शुरू करेंगे, एक रक्षे वाले को हायर करेंगे और उसके साथ ही हमें ये मोमेंट रखेंगे और हो सकता है डूएबल है। अच्छा चलें, कोई उसके डायलॉग्स होंगे कि साइलेंट होगा सारा? नहीं नहीं साइलेंट, सिर्फ पूरे फिल्म में एक ही डायलॉग है रोल कैमरा एंड एक्शन। और इसमें ट्विस्ट ये है कि वो दिखाएंगे कि जैसे एक लड़की है अबाई में और किसी और काम के लिए जा रही है और घबराई हुई है और एकदम एक लड़का आएगा और एडी बोलेगा कि मैम आप फिर लेट हो गई, तो वैसे अबाया उतारेगी अपना या निकाब उतारेगी तो उसके अंदर से बिल्कुल एक वेस्टर्न लुक में एक लड़की, एक मॉडल निकलेगी और वो बस जल्दी से मेकअप टच वगैरह करवाएगी और खड़ी हो जाएगी सेट पे जाके अपने। लड़की मौजूद है? जी लड़की है मेरे पास, दोस्त है मेरी मलाइका और एक मॉडलिंग कर भी रही है तो उसने कहा कि मैं कर लूंगी साथ। आप कब कर लेंगे? मैम इसी वीक में मैं सोच रहा हूं शूट करके, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैं सबमिट करवा दूंगा। अच्छा चले, that's good. तो अच्छी बात है, मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द कर लें, टाइम सेव करें ताकि जो बाकी सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो जो चीज वाइंड अप हो सकती है उसको वाइंड अप कर दें फटाफट। इसके अंदर कुछ मैम आप ऐड इन करना चाह रही है, कुछ कट डाउन? मुझे तो मतलब ये सही लगा आइडिया, मैंने कहा अगर आप कुछ नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये अच्छा शूट हो जाता है इट मे लुक वेरी नाइस है। तो डिपेंड करेगा ना कि आप इसको अब शूट किस तरीके से कर रहे हैं। और मेरी कंसर्न तो मूवमेंट से ही थी क्योंकि आपने रक्षा बीच में डाल लिया तो मेरा ख्याल है कि आपको कुछ क्या रिहर्स करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसका वही है। रक्षा हो जाएगा या तो फिर एक ऊबर वाला गाड़ी वाला हो जाएगी इस टाइप की मूवमेंट, मतलब वो लड़की पीछे बैठ जाएगी तो मैं कैमरा कट तो करना नहीं, हमने आगे वाली सीट पर बैठ जाऊंगा तो वो इजी हो जाएगा। अच्छा तो आप उसके साथ ही कार में एंटर हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, ऐसे कट तो हमें करना नहीं ना।
मोमेंट ऐसे एक दो रिहर्स करनी पड़ेंगे लेकिन हो जाएगा। अगर एक दो में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक थोड़ी सी कितनी ड्यूरेशन आप सोच रहे हैं? मैम बन जाएगी इतनी, तीन तो बन जाएगी, टू प्लस ही रहेगी और थ्री के अंदर ही होगी। मिनिमम थ्री है जी, मिनिमम थ्री है। अच्छा ठीक ठीक चले नाइस। थैंक यू। ठीक तो फिर मुझे सिर्फ जवाब, आपने आइडिया चेंज किया क्या? सॉरी जनैन, आपने नया आइडिया क्या सोचा है? मैम इसको मैं फिर एक क्वेश्चन रह गया था, इसको फिर मैं रिटन फॉर्म में डालूं प्रोडक्शन फाइल में आके आपको सेंड कर दूं इस आइडिया की? प्रोडक्शन फाइल आप बना लें और उसको उसके साथ ही अपलोड कर दीजिएगा, लेकिन अगर उसका फर्स्ट वर्जन के न्यू था आज से मेरा ख्याल है ये कोशिश जी, दो हफ्ते पहले लास्ट वीक में उसको कुछ काम हो जाए तो लास्ट वीक ड्यू थी प्रोडक्शन फाइल, तो बाय नेक्स्ट उसमें थोड़ा और लेट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि उसका अगर आप पेपर वर्क और ब्लॉकिंग अगर नजर आना शुरू हो जाए फाइल फॉर्म में तो अच्छा होगा। चलो श्योर मैम, और साथ में आपकी कास्टिंग भी नजर आ जाएगी। आपने कहा कि मलाइका काम करेगी आपके साथ, मलाइका रियाज जी। अगर आप एक आध दिन के अंदर शूट कर लेते हैं तो दैट वुड बी नाइस, क्योंकि फिर एटलीस्ट आपकी शूटिंग डेडलाइन जो है वो 25th है तो डिले हो गई लेकिन मोर और लेस मैच हो जाएगी। जी ठीक है मैम। और कितने लोग आपके साथ काम करेंगे? मैम होपफुली आतिफ है और मेरा एक और दोस्त है, दो दोस्त और हैं वो ही काम, एक ड्राइवर चाहिए होगा हमें जो ड्राइव कर रहा होगा और एक कैमरा मैन है, एक जो कैमरा मूवमेंट को मतलब सपोर्ट कर रहा होगा वो का साथ बंदा एक, और फिर अंदर जो कास्ट पे एक डायरेक्टर और एक एडी खड़ी होगी या खड़ा होगा। कास्ट तो है हमारे तीन चार लोग ही कास्ट है। मेरा ख्याल है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो असल में रक्षा रिलेटेड ही है। जी वो रक्षा है, वो वाला पार्ट जो है जहाँ पे आप का वो जो सिग्नल है वो टिकेट हो सकता है। But let's see, उसके लिए शायद आपको काफी रिहर्सल एक दो से ज्यादा करनी पड़ जाए प्रॉबेबली। हो सकता। ठीक ठीक चले अच्छा है जी जनैन। जी मैम आपने आइडिया चेंज कर लिया ना? क्या है जी? क्या है नया आइडिया? कुछ उसको मैंने लिखा है मैम, अगर कहें तो मैं आपको थोड़ा सा है एक पेज का तो मैं सुना देता हूँ। हाँ आप सुना दें और चाहें तो साथ में शेयर भी कर लें, और शेयरिंग राइट है आपके पास। मैम एक्चुअली मैंने पेपर पे लिखा हुआ है। अच्छा पेपर पे लिखा हुआ है, चलिए सुनाइए। तो इसमें दो करेक्टर्स हैं और करेक्टर जो हैं वो दो हैं, एक अदनान और एक अब्दुल। तो अदनान और अब्दुल जो हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और अब्दुल जो है वो बार बार ऊंची आवाज में अपना गला साफ करने की कोशिश कर रहा है, गला साफ कर रहा है। तो आखिरी रकात के क़याम में दोनों खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं तो वो उस आवाज की वजह से अदनान के जो जेस्चर्स हैं फेस के वो थोड़े चेंज होने लगते हैं, वो डिस्टर्ब होता है उससे, उसका फोकस हटता है नमाज से। तो फिर अब्दुल एक जोरदार डकार मारता है तो अदनान को नमाज में गुस्सा आ जाता है और वो उसका फिर से एक दफा वो बिल्कुल ही फोकस आउट हो जाता है नमाज से। तो फिर वो जब दोनों सलाम फेरते हैं तो क्योंकि वो साथ साथ खड़े हुए तो जब अदनान अपने राइट पे सलाम फेरता है तो तब जो अब्दुल होता है उसका फेस अभी लेफ्ट पे होता है, तो उन दोनों का आपस में एक इंटरेक्शन होता है तो उसको
अदनान जब अजीब सी नजरों से देखता, तो जैसे ही नमाज खत्म होती है तो वो दोनों उठते हैं, तो मतलब अब्दुल जो है वो पहले उठता है, और वो जहाँ पे एंट्रेंस होती है वहां पे आके वो अपने बैग से हेडफोन्स निकालता और कानों पे लगाता, और यही काम करते करते वो जो है अपनी जूती पहन रहा होता है बगैर देखे हुए। अदनान भी उसको ही देख रहा होता है और वो भी अपनी जूती पहन रहा होता है, वो उसको देख रहा होता है कि ये कैसा अजीब इंसान है कि अभी मस्जिद से बाहर भी नहीं गया और हेडफोन्स लगा रहा। तो वो जो जूती होती है वो उसका एक एक पैर चेंज हो जाता है, मतलब अब्दुल एक पाँव अदनान की जूती का पहन लेता है, और उसके बाद जब अदनान पहनता है तो वो भी बेध्यानी में उसी को देखते हुए, क्योंकि उसको गुस्सा भी आया होता है, वो उसको देख भी रहा होता, तो वो भी वही जूती पहन लेता। तो अब्दुल जो है वो बाहर खड़ा होता है मस्जिद के, और अदनान बाद में जैसे ही निकलता तो अब्दुल खड़ा होता है और वो अपना गला साफ कर रहा होता है, और वो जब स्पेड करता है थूक फेंकता है नीचे, तो वो लकीली अदनान के पैर पे गिर जाता, और अदनान उसको ऐसा गुस्से से देखता और उसको वो पकड़ता है और वो उसे छुड़वाता है अपने आप को और भागता है। तो एक फिर छोटा सा चेज है कि अदनान अब्दुल को चेज कर रहा, भाग रहे हैं दोनों, तो अदनान थकता है और अब्दुल पीछे मुड़ मुड़ के जब देख रहा होता बार बार उसको, तो अदनान रुक जाता है और अब्दुल भी थोड़ा फासले से रुक जाता है। तो अदनान गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर, उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो चप्पल उतार के मारता है उसको, अपनी जो जूती उसने पहनी होती वही वाली चप्पल जो अब्दुल की जूती वाला पैर होता है, और अब्दुल देखता है कि ये तो मेरी जूती है, और वो जूती जो उसने अदनान का पैर पहना होता है तो वो उसकी तरफ है। अभी तक इतना ही है, मैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आए तो स्क्रिप्ट में कुछ और चीजें आएंगी, और अभी तक यही था। ओके मुश्किल क्या क्या आएगी इसमें? मैम मैंने थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करने की कोशिश की है, इसमें चेस थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समहा वो मैनेज हो सकता है, और ओके लोकेशन को लेके कोई मुश्किल नहीं है? नहीं मैम, यहाँ पे बाजार में एक पुरानी नवाब साहब की मस्जिद है काफी बड़ी, तो पहले भी मैंने एक असाइनमेंट वीडियो वहां पे शूट की थी और बाकी लोग भी करते हैं, तो आई गेस मैनेज हो सकता है, और क्योंकि वो मैं चाह रहा हूँ और मुझे इसमें एज अ DOP मैं खुद ही होऊंगा तो मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैनेज करते हुए, क्योंकि अगर कोई और होगा तो मुझे उसको समझाना शायद मुश्किल लगे, लेकिन मैं कैमरा जब खुद ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मैं उसको एक्चुअली शूट करने की कोशिश कर सकता हूँ। किस टाइम शूट करेंगे? ये एक अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैम मैं इसमें ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब इट्स लाइक के वो दोनों ही ऑब्वियसली रमजान चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि रमजान भी थोड़ा सा हाईलाइट हो उसकी वजह से, कि एक मैसेज हिडन मैसेजेस हो जो जो व्यूअर है वो खुद से ही देख के जिसका जो दिल करता है वो उसमें से समझे, एक मैसेज ले, एक मीनिंग उसको मिले, तो कि वो जो अपना गला साफ कर रहा है तो उसको बाकी नमाजों का भी ख्याल रखना चाहिए, वो बेध्यानी में जो कर रहा है उससे उसकी पूरी नमाज डिस्टर्ब हो रही है दूसरे करेक्टर की, और फिर वो भी अपना सारा फोकस छोड़ के उसी के बारे में सोच रहा है गुस्से में, और उसको सिर्फ एक मौका चाहिए होता है, और वो जैसे ही वो उस पर थूक अनइंटेंशनली गिरता है तो
वो मौका उसको मिल जाता और फिर वो भागता उसके पीछे. तो मतलब इट्स लाइक के रमजान भी है और रमजान का जो एक मैसेज है अमन अमान का, तो वो भी इससे शो हो रहा है कि अभी नमाज पढ़ के निकला है और लेकिन कुछ और चल रहा है. तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको मगरिब के बाद करूं, लेकिन फिर लाइट बहुत कम हो जाती है, तो मुझे जो सूटेबल लग रहा है वो फजर के बाद लग रहा है, जब एक तो कुछ लाइट आ चुकी होती है, अंधेरा खत्म हो जाता है और तब नमाजी भी चले जाते हैं और फ्री होगा चेज के लिए भी, वो बाजार भी फ्री होगा और मस्जिद भी फ्री होगी. मैं सोच रही थी कि रमजान की वजह से फजर का टाइम तो डेफिनेटली बेहतर है आपके मगरिब के टाइम से, क्योंकि आजकल तो रमजान की वजह से और भी कोई एक्टिविटी हो सकती है जो कि कोरोना की वजह से रिड्यूस भी हो सकती है. सो मेरी पहली कंसर्न तो यही थी कि मस्जिद में वो आपको शूट करने की इजाज़त देंगे, और लोगों के मूड का कुछ पता नहीं होता, अगर पास्ट में इजाज़त दे भी दी थी तो अगली जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. बट डिपेंडिंग के आपका क्या अपनी रिलेशनशिप है ना, आपकी अपनी रिलेशनशिप क्या है विद दोस पीपल, तो आपको लगता है कि आपके लिए मैनेजेबल है ये सब कुछ? मैम स्टिल अभी तक तो मैंने ये कल जब मैंने ये लिखा तो मैंने जवाब के साथ भी शेयर किया था, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कैसा, क्योंकि रैंडम था तो हाँ. मैंने दो तीन लोगों के साथ शेयर किया तो हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था. तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो एक मैंने, एक मेरा दोस्त है वो फिल्म मेकर है, उससे भी मैंने बात की थी तो उसको भी कुछ चीज़ें लग रही थी जो उसने कहा था कि अगर तुम इसको ठीक कर लो तो इस तरह से हो सकता है. वो ऑब्वियसली एक ऑडियंस का, हर एक ऑडियंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. तो कुछ चीज़ें हैं जो रिफाइन होंगी मुझे लगता, तो उसके बाद आई गेस कुछ बेहतर. नहीं, मुझे मुझे आपकी स्टोरी में तो इस ऐसा जितनी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मुझे सिर्फ लोकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, जिसको मैंने आपसे कहा कि शायद आप लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉर्ट आउट कर लें. फिर मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि वो जो आपका जो चेजिंग वाला पार्ट है उसको आपको एक लिमिटेड सही रखना पड़ेगा ना, कि वो मेरा के मूवमेंट नज़र भी आ जाए या चेजिंग नज़र भी आ जाए लेकिन वो शॉर्ट शॉर्ट ही रहे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की तो ज़रूरत है ही नहीं उसमें. तो मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे अगर आप सिंगल शॉर्ट फिल्म्स सर्च करेंगे तो उसमें आपको इस किस्म की फिल्म्स नज़र आ जाएगी जिसमें दो लोग आपस में लड़ भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं. तो आई थिंक कि आई एम नॉट श्योर कि वो कायनात कौन सी थी, वो ड्रग सेलिंग टाइप फिल्म थी जो एक ऐसी ही पड़ी हुई थी, कौन सी वाली में एक द ड्रॉप थी मैंने शेयर की थी. हाँ वो मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा, बट आई थिंक कि कोई एक थी नहीं जिसमें वो रोड पे काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ गुस्से का एक सीन चल रहा था और फिर मूवमेंट उसमें अच्छी खासी थी लेकिन वो एक छोटे से ब्लॉक के अंदर ही थी. ये आप कह सकते हैं कि बेसिकली तीन से चार पॉइंट्स ऑप्टेड थे एक यू नो, लेकिन वो जो तीन चार पॉइंट थे वो एक ही रोड के कॉर्नर के ऊपर थे थोड़े से. हाँ, हाँ मैं शेयर कर लेती हूँ ज़रनैन के साथ. हाँ मुझे याद आ गई. ज़रनैन आप उसको देखिएगा क्योंकि उसमें मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन दो लोगों की लड़ाई और गुस्से वाली उसके अंदर. तो अगर आप लोकेशन को अगर उसकी तरह थोड़ा सा अरेंज कर सकेंगे तो वो मूवमेंट जो थी वो आप कह लें कि अगर आपका मस्जिद सेंट्रल पॉइंट है तो मस्जिद के सामने की सड़क और सड़क से आगे वो कोई दो तीन पॉइंट्स ही मार्क किए हुए हैं उसके अंदर. तो आपको इसी वजह से मैं कह रही थी कि वो रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं, कायनात आपसे उसका लिंक शेयर कर लेंगी.
क्योंकि आपने इसमें चेजिंग डाली हुई है ना, तो चेजिंग जो है वो आपको एक हद तक ही रखनी पड़ेगी ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। और जी मैम एग्जैक्टली, और वो जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा वैसे। हाँ मेरा भी मेरा हाँ इसीलिए मैंने कहा था लोकेशन जो है ना मस्जिद पे भी करना और बार बार टेक्स्ट करना वो थोड़ा मसला हो सकता है। आप कह रही हैं कि नमाज के दौरान टेक्स्टिंग करना, उसकी बात कर रही हैं? मस्जिद के अंदर आप शूट करें और बार बार मतलब टेक, एक टेक हो दूसरा टेक, तो वो थोड़ा ना हो जाता है इस तरह, इस तरह की जगहों पे काम करने से। नहीं मैंने जरनैन से इसीलिए पूछा था कि लोकेशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इसमें काफी होंगी, तो ही सेड कि इसने वहां पहले भी शूट किया हुआ है और लोगों ने भी शूट किया हुआ है, तो वो बेसिकली जो इमीडिएट कम्युनिटी है उनकी रिस्पांस पे भी डिपेंड करता है ना कि हाउ कंफर्टेबल दे आर विद दिस काइंड ऑफ वर्क। तो अगर जनैन ने पहले वहाँ शूट किया हुआ है तो मैंने इसी वजह से कहा था कि इसकी अपनी रिलेशनशिप क्या है विद मौलाना साहब और जो भी है, तो एक रेगुलर आप उसकी बात करिए ना कि मोस्ट पीपल वुड बी वेरी नैरो माइंडेड, तो वो शायद उस जगह पे शूट के मामले में भी एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस रख सकते हैं। तो वो आई थिंक जनैन का एक एक्सपेरिमेंटल काम ही है, तो बीच में हमें भी नजर आ जाएगा। और मैं तो सिर्फ इनकी वो जो ब्लॉकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सजेस्ट कर रही थी कि वो जो एक फिल्म थी मैंने उसका उस दिन आपको शायद लिंक्स तो भेजे थे लेकिन वो नाम मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि आई थॉट कि जरनैन अगर मूवमेंट को उतना ही रिस्ट्रिक्ट कर ले जितना बेसिकली इनको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा। जो शाहजेब बता रहा था उसमें भी अच्छी खासी शायद एक दो टेक्स में ना हो सके, और जरनैन को तो ज्यादा केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। तो आपने दो दोस्त सिलेक्ट कर लिए हैं जरनैन के, आप किन के साथ करेंगे? क्योंकि जो चेजिंग है वो मैं आपको कह रही थी कि उसको आप लिमिटेड कर दें, उसके आप पॉइंट्स मार्क कर दें, क्योंकि चेजिंग तो एक्चुअली एक बेसिकली जेस्टर ही है ना, तो वो मूवमेंट के विद इन 2-3 स्टेप्स या अ फ्यू स्टेप्स 8-10 स्टेप्स के अंदर भी एक इम्प्रेशन के साथ आप उसको रोक सकते हैं इम्प्रेशनिस्टिक रखते हुए। तो वो आपको सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे कि कौन कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, और आई थिंक कि आपको थोड़ा सा रिहर्स करना पड़ेगा विद कैमरा, चाहे आप सेलफोन पे ही रिहर्स करें, बिकॉज यू वुड नो कि आप शूट कर रहे होंगे या आपका दोस्त शूट कर रहा होगा, जो भी शूट कर रहा होगा, तो आप उसको सिंगल उसमें किस तरह कैप्चर कर रहे होंगे। तो आप में से आप दोनों में से बेहतर कैमरामैन जो है, आप बेहतर कैमरामैन है तो आप शूट कर लें, वरना अगर आपका दोस्त जो है वो ज़्यादा बेहतर कैमरामैन है तो आप डायरेक्शन पे रहें और उसके साथ फ्रेमिंग वगैरह प्लान कर लें कि किस तरह से क्या कर रहे होंगे ना। और उस सिंगल शॉट के अंदर आप कितने वाइड रहेंगे और कितने क्लोज पे जाएंगे, ये सारे भी आपको डिसीजंस जो हैं वो बिफोर हैंड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आई थिंक कि वो अदरवाइज तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टेक लेने की कोशिश करें तो पता चले कि आप वाइड में ही रिड्यूस्ड हैं, और या फिर बहुत क्लोज में चले गए तो वो बाहर निकल गया। तो आई थिंक कि आपको अच्छा खासा एक्सपेरिमेंटल करना पड़ेगा। और ये जो बाकी अगर आप YouTube पे अगर लिखते हैं सिंगल शॉर्ट फिल्म्स अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट फिल्म्स, क्योंकि हमने कुछ अपलोड की थी, BNU स्टूडेंट फिल्म्स अपलोड की थी ना हमने, तो उसके अलावा भी YouTube पे पड़ी हुई हैं, तो आप यू कैन एक्चुअली व्यू दोज फिल्म्स कि वो सिंगल शॉट में वेराइटी पे कैसे जा रहे हैं फ्रॉम क्लोजअप टू लॉन्ग शॉट या वाइड शॉट वगैरह। तो वो कैरेक्टर की मूवमेंट से भी हो सकता है कि क्योंकि कैरेक्टर भी करीब आएगा या दूर चला जाएगा तो वो नेचुरली आपका फ्रेम साइज चेंज हो जाएगा उसके साथ ही, फिर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी ना फोकस और सारा कुछ रखते हुए। तो आई थिंक कि उसको आप को शायद 6-7-8 टेक्स करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टेक्स आप खुद देख लेंगे कि आपकी कितनी टेक्स में जाके कंप्लीट हुआ।
सो आई सजेस्ट कि आप इसको थोड़ा सा देख लें. किस एज ग्रुप के लोगों को लेंगे आप? मैम 25, 26, 28. आप आपको लगता है कि इस तरह के बिहेवियर के लिए 25, 28 is fine? जो दुनिया के काफी सारी कंट्रीज में जो गाड़ी चोरी करते हैं बच्चे, वो एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाके गाड़ी छोड़ भी देते हैं, उनका एज ग्रुप अक्सर 16, 17 इस तरह का होता है. मतलब बड़े रिस्ट्रिक्टेड से एज ग्रुप्स हैं. सो बेसिकली आई थिंक के 25, 28 साल वाला थोड़ा सा मेच्योर होता, लेकिन एजुकेशन या का होना या ना होना तो मीरास नहीं होती ना किसी की. सो आई थिंक के अगर आपको लग रहा है कि 25 से 28 एज होगी तो फिर उनकी अपीयरेंस ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगी. अगर मेच्योरिटी रेलेवेंट नहीं होगी तो फिर अपीयरेंस रेलेवेंट होगी, बिहेवियर रेलेवेंट होगा. यस मैम, ठीक है ना जी. क्योंकि 25 और 28 को अदरवाइज मेच्योर होना चाहिए, और अगर अदरवाइज वो मेच्योर कंडक्ट नहीं है तो फिर बिहेवियर इज प्रॉब्लमेटिक ना. तो आप फिर उस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ले सकते हैं 25 28 वालों को, क्योंकि आप अपने अपने फ्रेंड्स में सोच रहे हैं. अभी तक तो मैं ये सोच रहा हूं, पता नहीं मतलब वो एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैनेज कर सकेंगे नहीं तो बाकी एक्टिंग. हाँ, वो उसी के लिए आपको रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी ना. एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिहर्सल्स करनी पड़ेंगी, और चूंकि उनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, 25-28 है, तो इस वजह से आपको उनकी अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिसीजंस करने पड़ेंगे कि हाउ दे शुड लुक, विच मीन्स के एटलीस्ट और कुछ नहीं तो ड्रेसिंग अप, हेयर स्टाइल, यू नो, बॉडी लैंग्वेज. एक्चुअली कि बॉडी लैंग्वेज उनकी किस किस्म की है, कि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो एडोलेसेंस होगी और या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू. दोनों में से एक चीज सिलेक्ट करके आप प्रॉब्लम हैंडल करेंगे फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. यस मैम. वो बेसिकली अदनान है, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं, वो बेसिकली एक रियल करेक्टर का नाम है, तो मैं उसी को कास्ट कर लूँ, क्योंकि ये स्टोरी भी वहीं से निकली. अभी हम बात कर रहे थे तो वो इस बारे में बात कर रहा था कि वो कितना डिस्टर्ब होता है ऐसी आवाज़ों से मस्जिद में. मुझे लगता है कि वो उसको बेहतर परफॉर्म कर सकता है, उसको पता है, वो फीलिंग ले सकता है. तो मैं आई थिंक फजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका काफी एक मुझे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही लगा कि फजर तो वो टाइम है ना कि अगर वो नमाज पढ़ने आया तो शायद उसने रोजा भी रखा होगा जी. या फिर ये है कि काफी सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि फजर का टाइम वैसे भी बेस्ट है, क्योंकि फजर के टाइम के बाद कोई और एक्टिविटी मस्जिद में काफी देर तक प्लान नहीं होती ना. सो आई थिंक के, और फिर अगर वहां से नमाजी अगर निकल भी रहे होंगे और इक्का दुक्का नमाजी नजर आ रहा होगा, या इक्का दुक्का बंदा आपको कोई सिपारा पड़ता नजर आ रहा होगा, तो प्रॉबेबली जो आप बात कर रहे थे ज्यादा नमाजी वाले, तो वो तो फिर आपके एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो अनलेस के वो ऑर्गेनिकली या जिसको आप कहते हैं कि नेचुरली अवेलेबल हैं, अदरवाइज तो आपकी मतलब आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज होंगी. तो उसको आपको फिर बड़ा सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह, क्या चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, क्या चीज़ कैप्चर हो सकती है और कौन सी चीज़ जो है वो कैप्चर नहीं हो सकेगी. तो आई थिंक के इसका जो आपने स्क्रिप्ट सा एक बनाया है, उस स्क्रिप्ट की बेसिस पे
कुछ कुछ चीजें डिसाइड कर लें. फॉर इंस्टेंस कैरेक्टर्स तो आपके जहन में हैं, आपने कहा कि दो कैरेक्टर्स आपके जहन में हैं जिनकी एज 25 से 28 है. अपीयरेंस आई थिंक यू कैन वर्क ऑन, क्योंकि अगर इमेच्योर कंडक्ट है इसे इस एज ग्रुप के साथ या बिहेवियरल इशू है तो फिर अपीयरेंस मैटर करेगी. अपीयरेंस से ज़्यादा आई थिंक बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगी, यू नो एटीट्यूड मैटर करेगा. और वही जो आपकी ब्लॉकिंग वाले इश्यूज़ हैं तो उसके लिए आप जो ख़ास तौर पे चेजिंग पार्ट है वो मेरा ख्याल है जेस्चर कम स्पीड जो है उसको आपने, और फिर कहाँ से कहाँ जाके रुक जाना है उसको आई थिंक आप एक लिमिट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकेंगे ना कि मेरे ये मूवमेंट पॉइंट्स हैं. और जो बाकी चीज़ें थी कि उस शॉट के अंदर चेंज आ सकती है कि नहीं आ सकती सिंगल के अंदर, तो वो आप के कैरेक्टर की मूवमेंट के साथ ही डिटरमिन हो जाएगी कि क्या क्या चेंज आ रही है. जी मैम, मैं समझ गया. ठीक है, तो बेसिकली फिर यही होगा कि आप उसको प्लान कर लें, रिहर्स कर लें. अपना कौन से कैमरे पे शूट करेंगे? मैम सोनी 6400. ओके, और अप्रोक्सीमेटली कब करेंगे? मैम मैं तो सोच रहा था कि मैं आज ही इस पे मतलब इस पे ये वाला काम करके और डिसाइड करके क्लास के बाद, तो कल मैं एक रिहर्स तो कर लूं, मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है चीजों की या कैरेक्टर्स की, तो बस मैं एक दफा जाके मतलब लोकेशन देखूं और वो सारा एक रफ सा एक करके देखूं एज अ रिहर्सल. तो अगर जैसे मैनेज हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम जो होगा वो फजर के बाद मस्जिद वाला टाइम तो शायद कम ही मिले हमें, लेकिन बाकी भी टाइम हमें मिल सकता है बाजार में देखना जो और लोकेशन, और क्योंकि वो अंदरून है तो वो चेज के लिए कुछ और भी प्लान किया जा सकता है कि जैसे वहाँ पे छोटी छोटी गलियां हैं और वो जो बेसिकली मस्जिद है उसके नीचे सारा बाजार है और वही मेन बाजार होता था और उसकी सराउंडिंग्स, और वो काफी बड़ी मस्जिद है तो वो एक बाजार पे ही मुश्तमल है और वो ऊपर सारा मस्जिद है और नीचे जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वो सारी दुकान है और उसमें रास्ते बने हुए गुजरने वाले. तो आई होप कि मैं इसको एज सून एज पॉसिबल इसी वीक अगली क्लास से पहले मैं इसको फाइनल कर लूं. वो जो आप ग्रैंडियर या मैग्निफिसेंस की बात कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है कि शायद आप इनिशियली या स्टार्ट में अगर कैप्चर कर सके तो कैप्चर कर सकेंगे, वरना जैसे जैसे आपका एक्शन डेवलप हो रहा होगा उसमें आप आपकी शायद थोड़ी सी लिमिटेशंस इंक्रीज होंगी. तो आई थिंक यू जस्ट नीड टू प्लान इट आउट. जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि कल रिहर्सल करें और फिर दो तीन दिन वाला रिहर्सल, तो मेरा ये ख्याल है कि वो मास्क को लेके जो प्रॉब्लम एक फील हो रही थी जिसको कायनात ने भी मेंशन किया और मैंने भी आपसे शुरू में पूछा कि लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपने कहा नहीं हो गए, वो मेरा ख्याल है कि अगर आप रिहर्सल में ज़्यादा टाइम लेंगे तो वहाँ भी एक एट टाइम्स एक ख़तरा होता है कि चीज़ डेवलप हो जाए. जो आप कुली शूट कर रहे थे आपको फर्स्ट टाइम शूट में मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन जब आप दोबारा लोकेशन पे गए थे तो आपको तब प्रॉब्लम आई थी, ऐसे ही है ना? मैम जो वहाँ पे एक ही शॉट था और वो बड़ा रैंडम था, बेसिकली वो जो डीओपी था वो उसी एरिया का रहने वाला था, तो वो गया, हम दोनों गए और कोई भी नहीं था, वो एक छोटा सा असाइनमेंट वीडियो थी तो उसमें एक शॉट डालना था, तो कोई भी नहीं था मस्जिद में, हमें किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई वहाँ पे नहीं था जो
इंटरप्ट करता या पूछता कोई सवाल, और हम गए और हमने वो 15-20 मिनट में वो शॉट लिया और हम वापस आ गए। तो अभी की सूरत हाल मुझे देखनी पड़ेगी, तो मैं लोगों से बात भी कर लूँगा, क्योंकि इट्स लाइक ये अभी रमज़ान चल रहा है, तो एक तो वो वैसे भी एक आइकॉनिक सी मस्जिद है, दूसरा ये कि हमारी कोई भी मतलब जो ये सारी स्टोरी है ये ऑब्वियसली है भी, इसमें लोग नमाज पढ़ रहे हैं और करेक्टर्स भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो ना कोई डायलॉग्स हैं और ऐसी कोई खास एक्टिविटी भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई वहाँ की अथॉरिटीज या कोई बाकी लोग भी लोकल्स भी अगर वो पूछते हैं सवाल करते हैं तो उनको बताया जा सकता है, मतलब वो ऑब्वियसली देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई वीडियो है जो इस्लाम या रमजान से ही रिलेटेड है जिसमें मस्जिद की जरूरत है, तो आई गेस उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीजों से अगर उनको बता दिया जाए कि ये एक वीडियो है जो मैसेज भी है इसमें और एक्सेट्रा। ओके, नॉर्मली तो ये प्रेफरेबल होता है कि नॉर्मली बात कर रही हूँ, आपके सर्टन केस की बात नहीं कर रही, क्योंकि जो आपने कहा कि जो फर्स्ट असाइनमेंट की थी वो भी आप लोगों जो है वो अनइन्फॉर्म्ड गए थे और आप लोग 15-20 मिनट में शूट करके फारिग हो गए थे, तो 15-20 मिनट जो है वो रिएक्शन टाइम छोटा भी है और ज़्यादा भी है, क्योंकि 15-20 मिनट्स में तो कोई भी चीज़ डेवलप हो सकती है ना, लेकिन थैंकफुली आपको नहीं हुई डेवलप लास्ट टाइम। मैं आपसे सिर्फ बात कर रही थी कि अगर आप एक ही चीज़ को 2-3 दिन के ऊपर स्प्रेड करेंगे, और प्रेफरेबल नॉर्मली ये होता है कि इन्फॉर्म करें, लेकिन इस किस्म की जगह पे इन्फॉर्म करने में एक थ्रेट ये भी होता है कि जब लोग डिस्कस करते हैं, जैसे लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था वो अपनी फिल्म बना रहा था, और उसने जब लोगों से बात करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया तो उसमें लोकल चर्च इन्वॉल्व हो गई यहाँ यौनाबाद में, और उसकी वजह से ही एंडेड अप, क्योंकि डिस्कशन में बहुत टाइम लगा दिया था ना इंटरव्यूज कंडक्ट करने में, तो पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग विद द प्रीस्ट, और फिर प्रीस्ट ने उनको रिकमेंड कर दिया कि इट्स नॉट वाइज टू गिव इंटरव्यूज। तो मैं आपको वैसे जनरली बता रही थी कि बाज चीज़ें जो शुरू में पॉसिबल नज़र आ रही होती हैं वो अचानक डिवेलप हो जाती हैं विद डिफ़िकल्टी, तो इसलिए कुछ चीज़ों के मामले में टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। सो बस एक यही कह रही थी, मेरा ख्याल है कि अगर आप उसकी ब्लॉकिंग कर लें, और जो आप कह रहे हैं कि आप उसको किस तरह शूट करेंगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी स्ट्रेटजी उसको वर्क कर लें। अगर मस्जिद के अंदर सपोज के अंदर जाने में कोई इशू भी हुआ, तो मस्जिद से निकलने वाला जो है वो लुक भी शायद आपके लिए काफ़ी हो सकती है, क्योंकि लोगों के सर पे एक ख़ास किस्म की वो कैप हो सकती है ना, वो जो थ्रेड से बनी हुई होती है, फैब्रिक से गोल सी टोपी, या वो कोई निकल रहा है या दरवाजे से है, तो वो आपका मस्जिद की अपनी एक लुक भी होती है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर नहीं हैं तो उसको एंट्रेंस पे से भी मैनेजेबल हो सकता है, या कोर्टयार्ड टाइप जगह से। अब मैंने आपकी लोकेशन तो नहीं देखी हुई, सो बेसिकली आई थिंक यू कैन प्रॉबेबली वर्क इट आउट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और फिर प्लानिंग जो है वो बड़ी मैटर करेगी। मूवमेंट्स को आप लिमिटेड ही रखिएगा, आपने वो जो गलियों का जिक्र किया, आपको गलियों में कितनी दूर तक भागना है या जाना है, तो उसके बारे में बस आपको केयरफुल थोड़ा सा रहना पड़ेगा, क्योंकि भागने के दौरान आपका जो है वो फोकस वाली चीज़ जो है वो हो सकता है ना उस पर इम्पैक्ट आ रहा हो, और भागने की वजह से आपकी कैमरा हैंडलिंग पे भी फर्क पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं कि कैमरामैन को तो नहीं भगा रहे ना आप, कैमरामैन सिर्फ अपने कैमरे से उसको फॉलो कर रहा है, या कैमरामैन को भगा रहे हैं? मैम मेरे दिमाग में जो चीज चल रहा है वो तो साथी भागने वाला है, और वो डिपेंड करता है अगर मैं उसको स्टेबलाइजर पे गिम्बल पे अगर यूज करता हूँ तो
वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा, और अगर मैं हैंड हेल्प करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम होगा। और एक दो और चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, क्योंकि तो चेज है, और एक चेज मैंने किया था लेकिन वो वन शॉट नहीं था, तो इसलिए अभी इसका मुझे, मैं कुछ सही तरह से कुछ बता नहीं सकता कि ये कैसा होगा। और मैं अभी सिर्फ इस पे सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि अगर वहां पे एक इम्प्रोवाइजेशन ही है, वो अब जब मैं करूँगा तो फिर मुझे मुझे भी खुद क्लियर होगा कि अगर हाँ, वहां पे मैं हमारा। बस मैं आपसे इसी वजह से कही थी कि जो मूवमेंट के बस आपने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, ताकि आपको कोई गलियों में लंबा चौड़ा चक्कर ना लगाना पड़े, सिवाय इसके कि आपको बहुत ज़रूरत हो। दैट्स वाई आई सेड कि आप वो जो वीडियो है वो सड़क के दो तीन पॉइंट्स से बिल्डिंग तक है, उसी के अंदर वो शॉर्ट के अंदर ही डिस्टेंस क्रिएट होता है और शॉर्ट के अंदर ही डिस्टेंस रिड्यूस होता है। तो आई थिंक कि इस वजह से मैं सजेस्ट कर रही थी कि यू शुड डेफिनेटली लुक एट दैट वीडियो, क्योंकि मुझे ये लगा कि जो जिस किस्म की मूवमेंट्स आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपकी स्टोरी फर्क है लेकिन मूवमेंट्स उसी तरह की हैं, और सिर्फ आप में एक एडिशनल जो होगी वो सिर्फ वो जो आप कह रहे थे कि नमाज पढ़ने के दौरान शोर सा उसको फील होता है, और आप उन दोनों का जेस्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जिसमें जिसका मतलब ये होगा कि मॉर्निंग टाइम में वैसे भी कि वन और दी अदर ऑडियंस डूइंग सीइंग यू डूइंग दिस, के दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और आप उसको वहां से कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जूते पहनने वाला सीन और जूते पहनने वाला पार्ट, और कानों में वो जो डाल रहा है हेडफोन्स वगैरह, वहां से लेके, और फिर वो तो फिर बस बेसिकली आपको एक क्लियर एक्शन प्लान करना है कि किस वक्त आप इसके फेस पे हैं, राइट? तो ये सारी चीजें, तो बस अगर आप उन तमाम चीजों को अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आई थिंक लेट्स सी, आई थिंक इट माइट बी ए नाइस एक्सपेरिमेंट। बस वो आपका सिंगल वाला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी डिटेल्स वर्कआउट कर लें, मूवमेंट ब्लॉक कर लें, उसको उसके लिए कुछ लिमिटेशंस तय कर लें कि किस वक्त कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, उसको आप इंडिविजुअली ही वर्कआउट करें जहन में, और उसके बाद रिहर्स करें। तो और रिहर्स आप देख लें कि रिहर्स तो आप अपने सेलफोन पे भी एक कैप्चर कर सकते हैं ना, और फिर फाइनल जिस कैमरे पे भी आपने शूट करना है, सो यू कैन एक्चुअली सी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, एंड देन यू कैन डिस्कस इट विद योर डीओपी, या जो आप खुद करना चाह रहे हैं, ईदर वे। मैम। और हाँ, ऑडियो की का क्या प्लान है आपका फॉर दिस वर्क? एम्बियंस, मैं ये सोच रहा था कि मैं खुद ही करूं शूट, एम्बियंस एम्बियंस रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सॉरी ऑडियो की बात कर रही हैं। हाँ, ऑडियो पे ही पूछ रही हूँ कि आप एम्बियंस रिकॉर्ड करेंगे, या जो हाँ कैमरे का अपना माइक है उस पे जो भी कैप्चर कैप्चर हो गया वो करेंगे? नो मैम, कैमरे का अपना माइक नहीं, क्योंकि वो बेसिकली मेन पार्ट है उसका, गले की आवाज जो वो निकाल रहा है और वो इरिटेट हो रहा है उससे, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। और इसमें ऑब्वियसली अब वो जो नमाज नमाज पढ़ रहा है, तो उसमें जो भी वो प्रोसेस है नमाज का, सलाम फेरने वाला और बाकी, तो उसमें एम्बियंस ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अभी तक तो, जो मुझे लगता। ओके और एम्बियंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये भी आपको बस डिटेल ही तय करनी होगी कि आप एम्बियंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। काफी सारी एम्बियंस हो गई ना, एम्बियंस की काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, मोस्टली तो आपकी कैप्चरिंग ब्लॉकिंग
लोकेशन रिलेटेड इश्यूज के अलावा आपकी ये ऑडियो की एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जिसको यू हैव टू प्लान एंड थिंक अबाउट कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा. यस जी मैम. हाँ, क्योंकि जहाँ डायलॉग होता है वहां पे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आप प्रॉपरली ऑडियो ग्रैब ना कर पाए. जैसे अभी शाहजेब बात कर रहा था ना, ही सेड के सिर्फ दो डायलॉग्स हैं, वो भी वहां पे एंटर होने के बाद जहाँ पे शूटिंग हो रही है. सो चूंकि एक ही शॉट में करना है तो जाहिर है पहले डिसाइड करना पड़ेगा शाहजेब को भी कि जब वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो वो ऑलरेडी यूज कर रहा था ना माइक्रोफोन और किस फॉर्म में कर रहा था. और वो ठीक है ना शाहजेब, क्योंकि आपकी भी मूवमेंट के साथ मूवमेंट के साथ आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप ऑडियो में ऑल ऑफ ए सडन तो उसको ऐड नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जब लोग वहाँ पहुँचे तो एवरीबडी इज रेडी कि अब यहाँ पे ऑडियो शुरू होने लगा है. तो मूवमेंट आपने भी डाली हुई थी रक्षे वाली जिसमें मुझे लग रहा था कि कॉम्प्लिकेशन होगी. मैम एक माइक मैं कैमरे के साथ लगाऊंगा फिर भी क्योंकि बैकग्राउंड स्कोरिंग के लिए मुझे कुछ ना कुछ साउंड तो चाहिए होगा, दरवाजा बंद करने की आवाज या रक्षा चलने की आवाज, जो नेचुरल साउंड होगा उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ. ओके, वो थोड़ा इजी हो जाएगा. वो आपके डायलॉग जो हैं वो आप नेचुरल पे ही कैप्चर कर रहे होंगे कि डायलॉग मैं कैप्चर ऑडियो में कर लूंगा तो उसको एडिट में देखूंगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसको रीडब कर लेंगे. और अगर आप उसको करेंगे तो फिर शायद आप उसको अगर वो सही तब भी नहीं हुआ तो फिर आपको जक्स्टापोज करना पड़ेगा और रीडब उसको शॉट ऐसा ले लेंगे कि उसकी लिपसिंग ना आए. असल तो लिपसिंग के लिए मसला है ना मोमेंट पे सब कुछ लगा. इसीलिए हां इसीलिए कही थी ना उसको जक्स्टापोजिशन कहते हैं ना कि आप उसको जक्स्टापोज कर रहे हैं. जी मैम. जब आप उसको जक्स्टापोज करेंगे तो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हैंडल हो जाएगी. और इसी वजह से मैं क्योंकि जैसे ही आप मूवमेंट लाएंगे आपके ऑडियो के इश्यूज ऐड होंगे. मूवमेंट की वजह से मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज भी होंगे. जनैन के मूवमेंट इश्यूज कम है क्योंकि वो एक सर्टेन एरिया के अंदर ब्लॉक कर देगा. आपके मूवमेंट इश्यूज थोड़े से ज्यादा हैं बिकॉज यू आर ट्रेवलिंग इन अ कैब या रक्षा व्हाटएवर. टाइम प्रिपेयर्ड होके करेंगे. ब्लॉकिंग हो जाएगी प्रॉपर उसके बाद. ठीक है. तो खैर बेसिकली तो आप जब फाइनल एडिटिंग में आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि बुरके वाली लड़की जो है उसमें रक्षे का पार्ट आप कितना डालेंगे या उसका स्टार्ट वाला पॉइंट पार्ट हो सकता है आपको चॉप ऑफ करना पड़ जाए. बट इट रियली डिपेंड्स कि आप उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका वहीं पूरा हो जाता है ना कि जिस तरीके से आप उसको ट्रेवल करते दिखा रहे हैं. तो अगर अगर में कोई फोकस की प्रॉब्लम्स आई तो यू कैन प्रोबेबली हैंडल सम प्रॉब्लम्स बाय चॉपिंग ऑफ. तो इट रियली डिपेंड. ठीक है जनैन. तो अच्छा है आई थिंक ये प्लान प्लान जो है वो पिछले दोनों आपके आइडियाज के मुकाबले में शायद सिंपलर है. और ठीक है. अच्छा है. थैंक यू जी. कायनात क्या प्लान कर रही है? जी मैं क्या प्लान किया या शूट कर लिया? मैम शूट जो है वो फ्राइडे को करना था लेकिन मेरे एक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो कल करेंगे हम मंडे को. ओके. कैंपस पे करेंगी? नहीं, एक घर है किसी का, उसके अंदर एक रूम है तो मेरे पास लोकेशन है, एक्टर्स हैं, सब हैं, सिर्फ शूट करना था बस. आप वही करने जा रही हैं तस्वीर लटकाने वाली जी, स्टोरी? जी जी. अच्छा अच्छा चलें ठीक है गुड. तो अभी आपने एक्शन प्लान कर लिया सारा? आपके में तो सिर्फ एक्शन ही है.
और आपको वो ओरिजिनल स्टोरी मिल गई थी? जी जी मिल गई थी ओरिजिनल स्टोरी। कहाँ, गूगल पे? हाँ मैं गूगल पे। अच्छा चलें, दैट्स नाइस। मैंने तो शायद आपको बताया था कि अडैप्ट इस तरह से करेंगे अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में एक तरह से, तो डायलॉग्स, चीजें, एक्शन, वो ही जिस तरह से हम आपस में रोजमर्रा में बात कर रहे होते हैं इस तरह से। जो आपस में बात कर रहे होते हैं उसमें नॉर्मली कॉमेडी नहीं कंसीव कर रहे होते ना आपका, तो आई थिंक ये अच्छा खासा कॉमिक बन सकता है। आप कॉमिक ही स्टाइल में, कॉमेडी स्टाइल में थोड़ा सा। तो चार लोग हैं जो के जिनसे मेरी बात हुई है कि वो रेडी हैं करने के लिए। तो एक होगा मेन करेक्टर और तीन और लोग हैं उसके साथ। और रूम आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया? जी हाँ, मैंने लोकेशन भी और लोग भी थे, सिर्फ रमजान की वजह से और सबका काम भी कुछ होते हैं इसलिए वो टाइम का थोड़ा मसला होता है। वो ठीक है, लेकिन जी आपने आपने ये डिसाइड कर लिया कि उस रूम में वॉल कौन सी होगी और कौन कहाँ खड़ा होगा और कुर्सी पे खड़े होके वो तस्वीर लटकाएंगे या सीढ़ी पे चढ़ के लगाएंगे कि क्या करेंगे? मैम हाँ, चीजें डिसाइड कर ली हैं और तस्वीर लटकाने के लिए एक चेयर है उसको यूज करेंगे। तस्वीर चेयर होगी, तस्वीर है? जी जी हाँ तस्वीर। ओके, और डायलॉग तो कोई नहीं है? नहीं, इसमें डायलॉग्स है ना मैम, कि वो खुद तो कुछ करता नहीं है ना, वो बाकी लोगों से काम करवा रहा होता है। तो डायलॉग सिर्फ एक ही कैरेक्टर के हैं? एक ही कैरेक्टर के, जो मेन कैरेक्टर होगा जिसने करवाना है दूसरों से काम, उसके डायलॉग्स हैं। सिर्फ मेन कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं? जी, और बाकी कैरेक्टर्स को एम्बियंस के थ्रू मैनेज करेंगी? जी हाँ, बस वो यही है उनका काम कि वो चीजें आके दे रहे हैं या लेके आ रहे हैं, इतना उनका वो नहीं है डायलॉग्स में। और मेरे पास जो है वो फोन है जिससे मैंने शूट करना है, इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो साउंड भी इसी का ही होगा। तो वो एक बार करके देखा है तो ठीक है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है और साउंड भी ठीक है। पंखा वनखा बंद करके अगर आप करें तो अच्छा हो जाता है। ओके, और मेन कैरेक्टर फीमेल है, मेल है? मेल है, सारे मेल हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो आपने आपने कंसीडर किया कि आप मेन कैरेक्टर फीमेल ले लें? मैंने तो जो इनिशियल आइडिया था ना वो ये था कि वो मेल ही हो, लेकिन जो आसपास के लोग हैं ना वो घर वाले लोग हों, जिस तरह से कोई बच्चा है या उसकी बीवी है और या कोई नौकर है। वो मैन ये अगर होता वो ज़्यादा अच्छा होता कि कोई मेल आके और दूसरों से सबसे काम करवा रहा है घर में। तो फीमेल का मैंने नहीं सोचा था, मैंने शुरू में भी मेल का ही सोचा था कि वही हो। हाँ, क्योंकि आपकी ओरिजिनल स्टोरी में मेल है ना? जी, आपकी ओरिजिनल स्टोरी में मेल है? जी जी हाँ, उसमें वो मेल ओरिजिनल स्टोरी में मेल है, लेकिन वो उसके साथ जो लोग होते हैं वो बाकी उसके घर के लोग होते हैं, फीमेल करेक्टर होते हैं या इस तरह से। तो मैंने मेरे लिए क्योंकि ये कन्वीनियंट था कि मेरे पास जो है वो ग्रुप ऑफ मेल फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए वो है इस तरह से। ओके, तो जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो क्या थी? चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, क्या नाम था ओरिजिनल का? जी जी, उर्दू में इसी तरह की ट्रांसलेशन है इसकी। हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ इसी तरह का मिलता जुलता टाइटल था जिसमें तस्वीर टांगी का वर्ड शामिल है। पता नहीं वो चचा छक्कन ही थे या कौन थे, बट नहीं, ये आप सही बता रही हैं, ये कोई मुझे और भी बता रहा था कि उर्दू में इसका ये नाम था, क्योंकि उर्दू तो मुझे वो नहीं मिली थी। मैंने तो असल में पढ़ी सिंधी में थी,
आपने सिंधी में पढ़ी थी, मैंने शायद आपको बताया था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी प्रॉबेबली प्राइमरी स्कूल में ग्रेड 2-3 की बुक में रही होगी ज्यादा से ज्यादा, ऑल आई कुड रिकॉल के ये मैंने तब पढ़ी थी। तो ठीक ठीक चलें, अच्छा है, वेरी नाइस। आपको सिर्फ लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करना है कि अगर आपके चार कैरेक्टर्स हैं और कुर्सी अगर मिडल में है और वो तीन लोग उसके आगे पीछे सॉरी उसके दाएं बाएं और पीछे खड़े हैं, तो आप शायद कुछ ऐसी कर रहे होंगे ना, दाएं बाएं पीछे, तो फिर बेसिकली उसी के हवाले से आपको सिर्फ मूवमेंट ही प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मूवमेंट में मुझे कोई अगर 360 ना भी हो तो आई थिंक के आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ से किस कैरेक्टर का, अगर 180 पे भी अगर आप मूव कर रही हैं या 180 पे मूव नहीं कर रही, इससे भी कम कर रही हैं, तो किस किस कैरेक्टर का फेस कैप्चर कर रही हैं और या बस्ट कैप्चर कर रही हैं या किस तरह कैप्चर कर रही हैं। कमरे में कितनी जगह है? कमरा बड़ा है काफी, यही सोच के लिया था, सेलेक्ट किया था कि एटलीस्ट आगे अगर कहीं कैमरा पड़ा हो तो आगे इसके पास इतना स्पेस हो कि मूवमेंट हो सके, क्योंकि बाकी जो एक्टर्स हैं ना वो फ्रेम इन होंगे कि वो आ रहे हैं जा रहे हैं इस तरह से होगा, तो जो मेन करेक्टर होगा वो थ्रू आउट फ्रेम में होगा और उसके ऊपर का स्पेस इतना हो कि चेयर है और तस्वीर लग जाए, इस तरह का एक इतना सा फ्रेम है खुला सा, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इन आउट हो सकें इतना स्पेस हमें चाहिए था। तो इसके लिए भी काफ़ी एक दो चीज़ें देखी तो फिर लगा कि उसमें नहीं हो सकता, तो अब एक स्पेस है जो थोड़ा सा बड़ा है। ओके, कैमरे पे आप खुद होंगी? जी जी, मैं खुद शूट कर रही हूँ और फिर एडिट तो आप खुद करती हैं ऑलरेडी। कैरेक्टर की लुक का क्या डिसाइड किया? मतलब मैम किस तरह से एक है, एक आपका कैरेक्टर जो है वो फनी है ना, इज मेकिंग पीपल लाफ टू हिज एक्शंस, तो मैं जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपका आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा मैं आपको भेज सकती हूँ तस्वीर, वो थोड़ा सा उसके बाल थोड़े से बड़े से हैं, कर्ली से हैं, और हाँ मेरा ख्याल है कि कर्ली लुक सूट करेगी टू दिस सॉर्ट ऑफ, हाँ थोड़े से बड़े से कर्ली से बाल हैं ऐसे ऊपर करके, तो वो मुझे लग रहा था क्योंकि वो फ्रेम के आगे थोड़ा ना ज्यादा वो होगा फोटोजेनिक उसका वो है फेस, और दुबला पतला है। जी हाँ ठीक है, आई थिंक के शायद सूट करेगा अंकल छक्कन के किरदार को। हाँ उनकी कोई इतनी कोई अबोव 30 एज होगी, 30-35 के बीच में। ओके गुड, अच्छा है। तो मैं कल हम करेंगे शूट, तो मैं आपको उससे पहले एक कर लूंगी अपलोड, ताकि अगर हमने फिर से ट्राई करना हो या जो भी, कल हम करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, आई थिंक कि बेस्ट तो ये होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जितने टेक्स कर सकती हैं कर लें, और या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, मेरा ख्याल है कि शायद आपको ये चूंकि आपका सिंगल शॉट है ना, तो आपको हो सकता है कि डिपेंड करता है कि आप उस पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अलावा कितनी अटेम्प्ट्स करना चाहती हैं, क्योंकि आपके लास्ट टाइम अगर वो लोग अवेलेबल नहीं थे तो आप जितनी दफा उनको रीटेक के मांगेंगी हाँ वो और मुश्किल हो जाएगा, और सबके रोजे होते हैं और सबका काम होता है, असल में ये टाइम ही इस तरह का है कि थोड़ा ना लोग मूव करने बाहर जाने से वो करते हैं थोड़ा। ओके
राइट, तो आपने उनको स्केड्यूल दे दिया अभी तक? जी मैम, वो तो वैसे तो वो सैटरडे को भी शूट करने के लिए तैयार थे, लेकिन सैटरडे को सुबह का टाइम था उनके पास, हमारी क्लासेस होती हैं, तो अब कल ही करेंगे शाम के वक्त। और शाम के वक्त करेंगे, आपके लाइटिंग इश्यूज सॉर्टेड होंगे? हाँ, लाइट का नहीं मसला, वो काफी ऐसी जगह है जिसमें बाहर से भी लाइट आती है, अंदर भी लाइट है, और अगर ये थोड़ा ज्यादा कुछ और लाइट का मसला हुआ, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, एक थोड़ा सा मार्जिन होता है कि आप एडिटिंग में उसको थोड़ा कर लें, तो उस उतना तो ट्रीट हो सकता है एडिटिंग में भी, लेकिन मेरे ख्याल से वो नॉर्मल लाइट हो है, इतना कुछ नहीं होना चाहिए मसला, खुली हुई जगह है। ओके, ठीक है, आई थिंक अच्छा है, और आई थिंक प्रॉबेबली कॉमेडी टाइप अगर कोई चीज होगी तो मजा भी आएगा, तो लेट्स सी के आप चार लोगों से कॉमेडी, कितनी, चार लोगों से परफॉर्म कर रही हैं? आपने जो एक वीडियो एक शेयर की थी जो पिछले लोगों ने बनाई थी, तो एक ने, मैं जो शूट जिसने रात को किया है, उसकी बड़ी अच्छी लाइट थी, वो आई थिंक उसके पास भी फोन था जिसमें बच्चे होते हैं, वो वाली फिल्म। हाँ, वो अली हैदर की जो फिल्म थी। नहीं मैम, एक और फिल्म थी जिसमें बच्चे होते हैं, अंदर रूम में बैठे होते हैं, और मैं वो डॉक्टर साहब वाली की बात कर रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब की फिल्म जो है, डॉक्टर कियानी की। जी जी। हाँ, उसमें तो असल में रूम, उसमें तो अच्छी खासी मूवमेंट थी ना, क्योंकि वो दो कमरों के अंदर भी थे, फिर सीढ़ियों से भी था, और फिर पार्किंग तक, तो वो तो अच्छी खासी मूवमेंट उन्होंने। हाँ, लेकिन लाइट में देखती थी कि रात को शूट था, जब वो बाहर निकले थे तो रात थी, गाड़ी होगी, वो असल में बाहर जाने से ही पता चला था कि रात का वक्त है, लेकिन अंदर आपको पता ही नहीं लगता कि रात को ऐसी उसने लाइट कैप्चर की थी। ठीक, चलें, गुड। बस आपकी खैर मूवमेंट उसी एक हॉल के अंदर ही है जहाँ पे तस्वीर लग रही है, बस ये है कि आपके कैरेक्टर्स के मेन कैरेक्टर को मुख्तलिफ साइडों से, प्रॉबेबली थ्री साइडों से, या कह लें कि अगर दो एक साइड पे भी चले जाते हैं, दूसरा उधर चले जाते हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे ना वो, टू हेल्प हिम। और आपको प्रॉप्स वगैरह चाहिए होंगी, हथौड़ी शथौड़ी, कील शील, ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम योर पिक्चर अवेलेबल हैं? जी कायनत, आवाज आ रही है? जी 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 जी, सॉरी मैं बात कर रही थी, वो ऑफ था मेरा माइक। हाँ, तो मैं आपसे सिर्फ यही कही थी कि आपको सारी प्रॉप्स अवेलेबल हैं आपके हथौड़े और नेल समेत। जी राइट, तो आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के कब हथौड़े को किस तरफ से नेल लगा रहे हैं और किस तरफ से नेल वापस निकाल रहे हैं। सो गुड, नाइस। तो बस फिर मेरा ख्याल है कि फटाफट कर डालें ताकि आप फिल्म प्रोडक्शन के एग्जाम से तो फारिग हो जाएं। राइट, गुड जी। जवाब क्या प्लान किया? मैम, मैंने आपसे लास्ट वीक डिस्कस किया था, उसमें एक जो आपने एडिशन किया था वो ये था कि किसी तरह ये बताऊं कि उसकी वो खुदकुशी की वजह क्या है, ये जो रीजन क्या है उसकी,
कि वो खुदकुशी करने जा रहा है। तो उसमें मैंने दो तीन आइडियाज जो हैं वो लिए हैं। एक तो ये है कि वो शुरू जब स्टार्ट होता है तो जब शॉट स्टार्ट होता है तो वो किसी से फोन पे बात करता है कि अब उसकी जो लोन वगैरह लिया हुआ है वो आएगा, कोविड की वजह से का बिजनेस जो है वो टोटली बैंकक्रप्ट हो गया है और अब वो सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल है। तो उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ वेट करे तो वो उसको जो लोन है वो रिटर्न कर देगा। एक तो ये आइडिया था कि वो इस तरह करते और फिर मोबाइल जो है वो पटक देता है। दूसरा ये था कि वो किसी से चैट कर रहे होता है या व्हाट्सएप पे किसी को वो मैसेज करता है कि बिल्कुल यही मैसेज करता है कि वो फिलहाल जो है वो लोन रिटर्न नहीं कर पाएगा और सॉरी करता है उसको। और तीसरा जो था वो पहले मैंने आपसे उस दिन भी शेयर किया था कि वो उस पे जो नोट पैड पे जब वो जो लिख रहा होता है वो उस पे लिखता है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये पहले वो आइडिया जो है वो ज्यादा बेटर रहेंगे। इसमें जो पहला है क्योंकि इसमें जो वर्ड डिस्कनेक्ट हो गया जी जो बात आगे अनम्यूट करें। हाँ जी आवाज आपकी आ रही है हालांकि आपका माइक म्यूट नजर आ रहा है मुझे अभी भी। मैंने अनम्यूट कर दिया वो मुझे लगा मैंने अनम्यूट किया हुआ चूंकि कायनात नहीं बोल रही थी तो मैंने बोला था इस वजह से। अच्छा तो आप क्या कह रहे थे कि आप जो मैंने तो आपसे वैसे पूछा था कि खुदकुशी की क्या रीजन है और आपने उसके सॉल्यूशंस तीन ढूंढे जिनमें एक उसका फोन पे बात करना, दूसरा उसका फोन पे टेक्स्टिंग करना, तीसरा उसका पेपर पे लिखना। तो आई थिंक कि जो आपके लिए मैनेजेबल होगा उसके अंदर देखें। तो आप क्या कह रहे थे अभी आपकी जो अचानक डिस्कनेक्ट हो गई थी। दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया जी जवाब मैम आपको आवाज आ रही है। जी जी आवाज आ रही है। आप दो दफा डिस्कनेक्ट हो गए जी। यस मैम वो कोई इंटरनेट यहाँ पे थोड़ा सा इशू कर रहा होता है सम टाइम इस वजह से। मैम मैंने आपसे लास्ट वीक डिस्कस किया था अपनी पूरी स्टोरी जो थी सुसाइड वाला कि वो जो उसकी पोजीशन होती है प्री सुसाइड और आपने सजेस्ट किया था कि मैं कुछ उसको लिंक करूं कि वो आखिर करना क्यों चाह रहा है। तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो जो राइटिंग कर रहा है जो लिख रहा है तो उस लिखने पे उसको वो बता रहा है कि वो क्यों करना चाह रहा है। लेकिन अभी मैंने इसके ऊपर मैंने जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो दो आइडियाज थे। एक तो ये था कि वो किसी से फोन पे बात कर रहे कि वो उसने लोन लिया हुआ है और वो उसे एक्सक्यूज कर रहे कि वो रिटर्न नहीं कर पाएगा कोविड की वजह से उसका जो बिजनेस है वो बैंकक्रप्ट हो चुका है तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अरसा उसका वेट कर। लेकिन जबकि दूसरी तरफ से जो भी है वो कह रहा है कि वो नहीं वो वेट नहीं कर सकता उसे उसके पैसे जो है वो अभी चाहिए। तो इसी बात करते हुए वो मोबाइल को पटक देता है नीचे किसी भी उस चीज पे। दूसरा ये था कि वो चैट कर रहे है किसी से व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करता है या नॉर्मली मैसेज करता है कि जी आपके वो तीनों आइडियाज तो मैंने सुन लिए जवाब कि आपने उसके तीन सॉल्यूशंस ढूंढे थे। असल में जो यूट्यूब पे ना जो यूट्यूब पे जो सिंगल कैमरा फिल्म्स पड़ी हुई हैं राइट सिंगल शूट सिंगल शॉट फिल्म्स जो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं उनमें एक सुसाइड की भी पड़ी हुई है
तो आपने देखी है वो? नहीं मैम, मैंने नहीं देखी अभी। आप उसको भी जरा देख लीजिएगा। तो उसमें देखने से आपको मेरा ख्याल है कि नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, कि सिंगल शॉट की जो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, और डायलॉग का डालना या ना डालना, टेक्स्टिंग, या जो आपका तीसरा सॉल्यूशन था राइटिंग वाला, जी आवाज आ रही है जवाब? जी मैम, हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि आपका ये डिसीजन कि आपको उसकी कॉन्वर्सेशन डालनी है या टेक्स्टिंग डालनी है या पेपर पे कुछ लिखते हुए दिखाना है या क्या दिखाना है, ये आपको मैं वैसे सजेस्ट कर रही थी कि जो यूट्यूब पे भी जो सिंगल शॉर्ट फिल्म्स पड़ी हैं थोड़ा सा उनको भी देख लें, तो वहाँ से आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स से, क्योंकि आई थिंक कि जो यूट्यूब पे सुइसाइड वाली एक सिंगल शॉर्ट फिल्म पड़ी हुई है उसमें एक्चुअली वो आपकी वाली से थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरीके से है कि वो उसका ज्यादा फोकस जो है उस लड़की पे है जो कॉरिडोर में वॉक करती भी आती है, और फिर उसको एक आदमी नजर आता है जिसने सुइसाइड किया हुआ है। सो ये इसमें जी आवाज नहीं आ रही जवाब। मैम वो मैंने देखी हुई है वो शॉर्ट फिल्म। ऑल राइट, तो आप सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि इन केस ऑफ इंस्पिरेशन यू मस्ट मेंशन दी इंस्पिरेशन, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि उस इंस्पिरेशन से आपका थोड़ा सा डिफरेंट फिर इस तरह हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि डिफरेंट हो रहा है तो देन यू मस्ट एम्फसाइज कि जी मेरी डिफरेंस इस तरीके से है कि मैं सुइसाइड होता दिखा रहा हूँ, राइट? तो मैम बहरहाल उसको आप क्या कैप्चर करेंगे, किस तरीके से कैप्चर करेंगे, तो जी बताइए। मैम ये उससे टोटल डिफरेंट है। वो तो एक ओपन उसमें है ना, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये एक रूम में है, वो एक रूम में होता है और जो सारी जो वो भी एक्ट करता है, जो भी वो सारा उस रूम के अंदर करता है, उससे बाहर नहीं जाता है और है भी सिंगल पर्सन है, उसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एक ही आदमी की यह स्टोरी है, वन ऑलराइट, कैरेक्टर है। हाँ, आपको बस उसी वन कैरेक्टर का कंप्लीट एक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। कंप्लीट एक्शन आपके मूवमेंट सभी, अभी आपने किसी को सिलेक्ट किया या किसी के साथ रिहर्स करने की कोशिश की, सेलफोन पे शूट करेंगे? मैम मैं उसको सेलफोन और कैमरा दोनों पे शूट करूंगा, क्योंकि कैमरा की मेरे पास गिम्बल नहीं है और सेलफोन की मेरे पास गिम्बल है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि दोनों पे शूट कर लूँ। मैं करेक्टर भी ढूंढ रहा हूँ कि मैं किससे परफॉर्म करवाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टर मिलना मुश्किल है जिसको एक्ट करेगा, तो मैं देख रहा हूँ। विद इन ए डेज मैंने कुछ लोगों से बात की हुई है, तो मैं उनको देख के फाइनल कर लूंगा। ओके, आपके आसपास में जो भी अगर कोई स्कूल कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे तो एक्टिविटीज होती हैं और स्टूडेंट्स परफॉर्म भी करते हैं, तो आप अपनी जान पहचान के थ्रू यू कैन ट्राई सर्चिंग, और अदरवाइज तो आपको किसी बिल्कुल ब्लैंक आदमी से इम्प्रोवाइज करवाना पड़ जाएगा। यस मैम, मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद है कोविड की वजह से, और हाँ कॉलेजेस भी ऑलमोस्ट बंद ही है, तो हाँ ये इशू है। मैं आपको ये नहीं कह रही थी कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, मैं आपको सिंपली ये कह रही थी कि अगर आपकी जान पहचान है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से रिलेटेड किसी टीचर से या किसी और से, तो मैं उस तरीके से कह रही थी कि चूंकि आपको कश्मीर में आई डोंट नो कि एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि पीपल
वेयर डू दे परफॉर्म, तो मैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, और या फिर आप स्क्रैच से ही किसी से इम्प्रोवाइज करा रहे होंगे ना, तो ये सारी तो फिर आप देख लें किसी फ्रेंड से करवा लें या जैसे करवा लें। इसमें मैंने एक दो लोगों से बात की है, वो हैं तो उस तरह उनका मतलब उनका फिल्म मेकिंग से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ जो प्लेज वगैरह वो किए हुए, तो आई होप कि वो परफॉर्म कर सकेंगे। ओके ठीक है, गुड। आज कौन सा रोज है? मैम आज 11वां है, 11वां या 12वां है, नॉट श्योर। हाँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जो भी करना है जल्दी कर लीजिएगा। आई थिंक वेंसडे को स्टार्ट हुआ था ना रमजान, तो यस मैम 14 तारीख को, आज 25 है। हाँ, तो फिर 14 से 25 तक 12वां रोजा हो गया। यस मैम ठीक है, तो ये है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जितनी जल्दी इस पार्ट से फारिग हो जाएं, क्योंकि फिर जितना टाइम गुजरेगा उतनी दूसरी चीज़ें जो हैं वो, आगे ईद भी आ रही है और फिर रमज़ान के भी 12 रमज़ान अगर आ गई है तो अगले दिनों में मेरा ख्याल है एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, तो जितनी जल्दी इससे फारिग हो जाए। यस मैम, मेरा यही है कि इस वीक को मैं इसको शूट कर लूं। ओके ठीक है, चलें गुड। इसको कोशिश करिएगा कि अगले 2-3 दिन में ही इसको जितना काम हो सकता है उसको कर लें, प्लान करें, शूट करें, गेट डन विद इट। आपका लास्ट प्रोजेक्ट है इस कोर्स का, तो एक चीज को वाइंड अप कर दें, बाकी तीनों चीजों का आपका टाइम निकल आएगा। ठीक है, यस मैम श्योरली, चलें गुड जी। शजी हसन, जी मैम, आपके एक्टर्स मिल गए आपको, यूनिवर्सिटी स्टाफ और दिल का दौरा? जी जी मैम, एक्टर्स पढ़वाएंगे? जी मैम, किसको पढ़वाएंगे दिल का दौरा? मैम वही जो आपको बताया था मैंने, हमारा रेडियो का ही है वो, एक्टर भी है इधर हमारे पास, आरजे भी है। अच्छा ठीक, आप रेडियो प्रोडक्शन पे नहीं दे रहे ना मुझे? नहीं नहीं मैम, रेडियो प्रोडक्शन दे रहा, वो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि वो मतलब एक्टर है, वो प्रॉपर एक्टर है। अच्छा, तो आपने सारा प्लान कर लिया, शूट तो नहीं किया अभी तक, या शूट कर लिया? नहीं मैम, अभी शूट नहीं किया। शूट कर डालें? जी मैम, कोशिश तो थी इस वीक में मैं कुछ उसे कर लेता, बस ये थोड़ा रमजान की वजह से जो है ना वो बस सुस्ती हाँ, भी रहती है और बस। मेरी आपको सजेशन यही है शजी कि आप इसको आप खत्म कर दें अर्लीस्ट, क्योंकि आपके बाकी तीनों काम शायद घर बैठे हो जाएंगे, अपनी टेबल पे बैठे हो जाएंगे। जी मैम ठीक है ना, और आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मतलब इसमें प्लानिंग चाहिए, इसमें प्लानिंग अच्छी खासी चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम इट, अपार्ट फ्रॉम इट आपका शूटिंग टाइम तो कम ही है, रिहर्सल टाइम ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो आई थिंक मेरा अभी भी मेरा यही ख्याल है कि आप दिस इज समथिंग यू शुड गेट रिड ऑफ एएसएपी। तो जी मैम इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप में से मुझे लग रहा है कि किसी ने कोई भी आज नहीं दिखा रहा अपना, किसी ने शूट किया है अभी तक मुसव्विर? नहीं मैम, अभी तक तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सिर्फ आतिर ने कहा था लास्ट वीक के वो अपने एक्टर्स के सिकनेस की वजह से, कि जो कोविड का उनका इशू था, he has to wait के वो नेगेटिव हो जाए तो फिर वो उनके साथ शूट करेगा। बाकी सारों को तो पहले भी सजेशन थी कि अर्लीस्ट शूट कर लें। मैम मैं इंशाल्लाह कल आके वो
लोकेशन और आतिफ भाई के साथ मीटिंग प्लान कर लूंगा, क्योंकि मेरा प्लान भी यही है कि जो एक करेक्टर ऑन कैमरा आएगा वो उधर उनके स्टूडियो में हो जाए। अच्छा, तो बाकी हमें मैं जब हमें से तो आतिफ को थैंक यू कहना पड़ेगा हम सारों को। मैम के पास जगह है, और सेकेंडली मैं सोच रहा था कि एक फीमेल करेक्टर अगर मैं ऐड कर सकूं, तो वो मैं देख रहा हूँ कि फीमेल की अवेलेबिलिटी। हाँ ओके, तो तो मैम इस है कि स्टार्ट मेरा जूम स्क्रीन से होगा, हाँ तो जूम, जी जूम मीटिंग से फिर होगा शिफ्ट आप। हो, यस मैम, और फिर वो शिफ्ट होगा कैमरे पे। कैमरे के अंदर कैमरा है? नहीं मैम, मतलब जो करेक्टर मेन करेक्टर है उसका जो होगा वो मेन कैमरा पे होगा, जैसे हम शूट कर रहे होंगे, रूम वाले कैमरे पे नहीं। ओके, तो आपका यही था ना कि आपका एक दोस्त जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है और बाकी तीन जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। यस मैम, यही एग्जैक्टली। आपने डायलॉग्स प्लान कर लिए इन सारे लोगों के? क्योंकि अगर आप जूम मीटिंग मैम में मैं जा रहे पहले वो स्क्रिप्ट लिखने लगा था, लिख रहा था, तो फिर मेरे माइंड में आया कि अगर फीमेल पार्ट भी अगर इसका थोड़ा सा हो जाए तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर एक हो जाए तो ज़्यादा, दो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना एक फीमेल हो जाए तो वो ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा कायनात कायनात रहेगा। से पूछें। मैंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ। नहीं, वो तो अभी अभी तो वो क्लासरूम में मौजूद है ना, तो यू कैन आस्क हर के वो आपके प्रोजेक्ट में चौथी कॉलर बनेंगी कि नहीं। क्यों कायनात? सिर्फ और जूम हाँ आना है मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कायनात मेरा प्लान इस तरह था कि मतलब एक मेल और एक फीमेल दोस्त आपस में पहले उन दोनों की कॉल होगी, वो फिर तीसरे को ऐड करेंगे, और फिर इस तरह वो थोड़ी सी उनकी डिस्कशन होती है तो वहाँ पे जूम एंड करते हैं, तो एक नया जूम स्टार्ट करते हैं जिसपे वो कॉल करते हैं चौथे को, मतलब एज अ रैंडम उनको जूम पे उसको कॉल करते हैं अपने नाम से नहीं, तो फिर वो सारे चारों इंगेज हो जाते हैं। तो फिर मैं स्क्रिप्ट इंशाल्लाह एक दिन में या मंगल तक सबके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है, अब आपको कम से कम एक एक फीमेल मिल गई। ठीक है हंजला, सही सही मैम, सही। देखिए ना, इसका सबसे पहला तो हल यही था कि जो फीमेल आपके साथ क्लासरूम में है आप उससे सबसे पहले पूछ लें। यस मैम। मैम मैं एक चीज सोच रहा था कि जो मतलब ये कॉलेज टाइम भी सेटिंग है, तो कोई ऐसे दोस्तों का अरेंजमेंट बन जाता कि जो कॉलेज टाइम से ही इकट्ठे होते, या मतलब कुछ टाइम उनका इकट्ठा गया होता ताकि वो मतलब एक फ्रैंकनेस और एक वो लेवल होता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा। तो फिर इन लोगों का तो एक्सपीरियंस है एक्टिंग में, और ये कुछ ना कुछ वो मतलब अडॉप्ट हो ही जाएगा। आपको जो फील चाहिए आई थिंक कायनात दे देंगी। यस मैम, मतलब बिल्कुल फ्रेंड सी फील चाहिए कि मतलब वो ना लगे कि एक्ट हो रहा है, मतलब नेचुरल सा हो, जिस तरह दोस्त कॉल पे बात कर रहे थे। क्यों कायनात? मैंने कभी एक्टिंग नहीं की पहले, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, वो हंजला की प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि वो पुराने दोस्त होने चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुराने दोस्त का इम्प्रेशन तो आप दे ही देंगी इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर मेरे पास हाँ स्क्रिप्ट होगा, मैं उसको सही से पढ़ लूंगी तो हो जाएगा। ठीक है हंजला, नहीं मैम, मैं ठीक है मैम, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। या तो देखे ना, अगर आप पुराने दोस्त, असल में आप रियल लाइफ फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, यस मैम, जबकि ये परफॉर्मेंस है। अगर तो आपके पास रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं तो फिर वो आपको अपने नेटवर्क में ही ढूंढने पड़ेंगे, अपनी फेसबुक पे, आपकी फेसबुक पे
अगर आपकी कॉलेज की कोई फ्रेंड नहीं है तो आपकी कोई कजन होगी, यू नो मैम, आप फैमिली 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 मेंबर्स में से डाल सकते हैं अगर किसी के साथ फ्रैंकनेस है। आप कह रहे थे कि एक या दो फीमेल्स, तो अगर किसी से, तो वो फिर आप पर रियली डिपेंड्स कि आप उसको करना क्या चाह रहे हैं, और फिर फ्रैंकनेस लेवल हर किसी से इतना होता भी नहीं है। और आई थिंक कि हमारी फैमिली सिस्टम वैसे भी खासे कंजर्वेटिव होते हैं, तो अगर अगर कहीं पे अच्छी खासी फ्रैंकनेस आपको फिर या तो ढूंढनी पड़ेगी और या फिर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। यस मैम, ये है। अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी वाले फेलो से हूँ कांटेक्ट में, अगर उनमें से एक दो हो जाते हैं, मतलब जूम पे जाना है उन्होंने, तो वो हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी थी। लेकिन अब डिपेंड करता है वो जो फीमेल कैरेक्टर है वो एक्ट भी कर सकती है कि नहीं, मतलब वो ऑन जूम जब वो एक रिकॉर्ड हो रहा होगा तो वो बोल भी लेंगे कि नहीं। वैसे तो मतलब काफ़ी उनका है, मतलब बोलती है, इशू नहीं है इतना, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, लेकिन एक वो सिनेरियो के अंदर अब वो करना पड़ेगा। देखें, अभी आपने यूनिवर्सिटी में कैंपस पे भी कोई चार इम्प्रोवाइजेशन की, ठीक है ना? यस मैम। और चार इम्प्रोवाइजेशन में जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, चाहे वो कैमरे के सामने थे या कैमरे के पीछे थे, वो सारे लोग आपके साथ इस क्लासरूम में मौजूद हैं। Yes, तो आप अपनी जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाए ना, आप अपने अपने इसी ग्रुप के लोगों को जो पिछले तकरीबन 3 महीने तो उन्होंने आपके साथ गुजार दिए, था महीना भी शुरू हो गया, तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि वो अगर आपको चारों लोग अगर यहीं से मिल जाते हैं, या चारों से ज्यादा लोग भी, आपको जितने लोग आपको चाहिए, आपने 4 कहे थे ताकि आपकी जूम मीटिंग जो स्क्रीन पे नजर आ रही होगी वो 4 में डिवाइडेड होगी, तो आप यू कैन लुक एट 4 फेसेस, फेस देखने हैं, फेस देखने हैं, नाम देखने हैं, क्या देखने हैं, तो आई थिंक हाँ, तो आपका ये जो स्क्रिप्ट राइटिंग पार्ट, स्क्रिप्ट वाला पार्ट डिले हुआ ना, बिकॉज यू कुड नॉट डिसाइड के लोग कौन होंगे। यस मैम, ठीक है, तो आपका सबसे पहला हल यही है कि वो चारों लोग आप इसी क्लासरूम से उठा लें, तो और दूसरा हल जो है फिर वो आपके दोस्तों वाला है, वो तो पेंडिंग में लंबा भी जा सकता है। 4 इम्प्रोवाइजेशंस के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए कि आप किससे क्या करवा सकते हैं, यू नो कि आपने आपके साथ शाहजेब ने परफॉर्म किया, आतिर ने कम से कम 2 दफा परफॉर्म किया, शजी ने परफॉर्म किया, राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं, आप आई थिंक इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। तो जिन लोगों ने इम्प्रोवाइजेशंस में फॉर इंस्टेंस परफॉर्म नहीं किया, आप उनके बारे में सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आसिम काफी जगहों पे लाइटिंग कर रहा था, आतिफ वॉज ऑन कैमरा कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है, और तो अब इस वक्त जिन लोगों ने कैमरे के सामने नहीं आया, आप उनमें से भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आसिम कैमरे पे नहीं आया तो आसिम और कायनात को कैमरे पे ले लें, आप इससे पूछ लें, जरनैन से पूछ लें। सो बिटवीन जरनैन, कायनात, आसिम एंड आतिफ, और अगर जरनैन सपोज के अगर अवेलेबल नहीं है तो मुसविर अब्रार को अपनी कास्ट में डाल लें या जवाद को डाल लें। मतलब आपके पास क्लास में इस वक्त 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों में से 4 लोगों को पिक करें। सेव योर टाइम, आप अपने पुराने दोस्तों में अगर गपशप वाला माहौल अगर ढूंढ सकते हैं तो वो शायद आप 1 हफ्ते में सॉर्ट आउट कर चुके होते ना, तो वो एक हफ्ता तो आपका वो हफ्ता निकल गया विदाउट सोल्यूशन। तो बेस्ट बेस्ट ये है कि आप 4 लोग यहीं से उठा लें, राइट? आस्क अभी पूछ लें, अभी पूछ लें, कायनात से तो मैंने पूछ लिया, बाकियों से आप पूछ लें कि हु विल बी रेडी, ताकि आप उनको स्क्रिप्ट हैंड ओवर कर सकें और यू कैन गो अहेड विद इट। स्क्रिप्ट को पार्टली लिखना है, फुली लिखना है, किस तरह करना है, क्योंकि मुसव्विर जब अपनी इम्प्रोवाइजेशन शूट कर रहा था तो आपने देखा होगा कि उसने एक मतलब जो क्लासरूम वाला सीन, मेरा ख्याल है कि वैसे तो पार्किंग वाला सीन भी अच्छी एक्सरसाइज थी,
लेकिन जो क्लासरूम वाला सीन था उसकी उसमें तो जो लाफ्टर है वो तो काफी एग्जेजरेटेड लाफ्टर, ब्यूटीफुली कैप्चर्ड, और सारे लोगों के जो भी जेस्टर्स आ रहे थे, तो आई थिंक वो एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ थी जो कि काफ़ी एक नेचुरल सी वो शूट हो गई, बिकॉज इंस्ट्रक्शन यही थी कि क्लासरूम में शोर मचा रहे और पीपल शुड बी लाफिंग, तो आई थिंक कि वो एक नेचुरली एक चीज़ मिल गई थी. सो आफ्टर ऑल दैट एक्सपीरियंस यू कैन डिसाइड कि आपको फुल्ली रिटन स्क्रिप्ट देना है या इम्प्रोवाइजेशन से रिलेटेड, मतलब कितना आप क्या करवाना चाह रहे हैं. और जो चार लोग हैं वो आपस में हंसी मजाक भी करते हैं या सीरियस लोग हैं? नहीं मैम, हंसी मजाक है. सो थिंक अबाउट इट के क्यों आतिफ आपको हंसी मजाक कर लेंगे. आतिफ को जो है आतिफ को मतलब जैसा भी रोल दे, आतिफ का तो सीरियस रोल होगा, मतलब इतना ऐसा हंसी मजाक नहीं, लेकिन जो बाकी तीन कैरेक्टर जाएंगे वो आपस में हंसी मजाक कर रहे होंगे. मेरा ख्याल है कि अगर आप आतिफ को सीरियस रोल आप वो उस फ्रेंड को दे रहे हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो आतिफ को दे रहे हैं. यस मैम आतिफ को वो दे. अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा रीथिंक करिएगा कि आतिफ को आपको सीरियस रोल ही देना चाहिए. चार लोगों को कैमरे पे जूम पे लाके अपने सामने देख लीजिएगा एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट कि आतिफ को सीरियस रोल देना चाहिए या आसिम को सीरियस रोल देना चाहिए, राइट? और मुसव्विर से भी पूछ लें, जवाद से पूछ लें, शजी आतिर से पूछ लें, मतलब आपको चार लोग पूरे करने हैं या तो आप सजेस्ट कर दें. सो मेरी सजेशन ये थी कि जो लोग वैसे तो मुसव्विर वाले इम्प्रोवाइजेशन में ऑलमोस्ट आई थिंक एवरीवन वाज ऑन कैमरा. शजी आप आए थे उस दिन? यस मैम आए थे. शजी वही थे जी. मैम मैं उधर ही था, मैम साउंड पे था. हाँ आप साउंड पे थे. मैं यही सोच रही थी कि जो लोग हंस रहे थे उसमें मुझे आपका लाफ्टर नहीं याद आ रहा. नहीं मैम वो प्रोडक्शन टीम में थे ना, साउंड पे था मैं. हाँ आप प्रोडक्शन टीम पे थे. तो मैं असल में हंजला को सजेस्ट ये कर रही थी कि जो लोग अभी तक ऑन कैमरा नहीं हैं उन लोगों में से ऑन कैमरा अगर कुछ लोगों को ये पिक करते हैं. और आई थिंक के आतिफ को आपको सीरियस रोल में लेना है तो सीरियस में ले लें. मेरा ख्याल है कि आप आतिफ को हंसी मजाक वाले में लें. तो देख लें आप, इट्स योर डिसीजन, आपकी स्टोरी है ना, तो डिसीजन भी आपका. सही सो बट आई थॉट कि शायद ही कैन ऐड कलर टू योर वीडियो. ठीक है. और आसिम आप इनकी कास्ट में जाएंगे? जी वालेकुम सलाम आसिम. मैम मैं तो पेशावर में हूँ. हाँ हाँ तो आपको जूम मीटिंग में ही आना ना, जूम मीटिंग में आना है आपने. जी मैम मैं आ जाता हूँ. क्योंकि इन्होंने इनका जो वीडियो है वो जूम पे रिकॉर्ड होगा और इनको सिर्फ एक बंदा ही फिजिकली प्रेजेंट चाहिए. चाहिए एक बंदा फिजिकली प्रेजेंट कि वो भी नहीं चाहिए? यस मैम एक बंदा चाहिए फिजिकली. तो वो आतिफ तो मतलब वो जो लोकेशन और मतलब वो डिसाइड कर रहा था मैं, तो वो आतिफ वही ही प्लेस था, इसी वजह से वो फिर मैंने सोचा है कि सीरियस करेक्टर जो है वो उन्हीं को दे देता हूँ, उन्हीं से करवा लो. ओके ऑल राइट. अगर आपको लग रहा है कि सीरियस कैरेक्टर इनसे करवाना चाहिए तो दैट इज परफेक्टली फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम. ठीक है इंशाल्लाह. फिर एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि शाजद की भी फिल्म होनी है, मेरी भी होनी है और आपकी भी, तो हम सारों को फिर एक ही फॉर्म में ना स्टूडियो इकट्ठे होना पड़ेगा. हां हां मैं तो शाजद की फिल्म में भी आऊंगा. मैं इंशाल्लाह सुबह आपसे कांटेक्ट करता हूं ना मंडे मॉर्निंग के किसी टाइम. आप ठीक है, हमारा कमिंग वीक जो है ना उसमें फिर मेरी एक्चुअली क्लासेस होती है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को, मैंने जरा पढ़ाना होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जरा मैं सब सारे टाई अप करके तो टाइमिंग कर लेंगे. ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ क्लास के बाद. डन डन गुड. तो आई थिंक कि आपके
चार लोग, तीन तीन लोग हुए, चौथा भी रहता है, तो चौथा पूछें फिर मुसव्विर या जरनैन। जरनैन आपकी टाइमिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के बारे में बताएं, और या फिर मुसव्विर। जी जी जरनैन, ऐसा करिए कि आप हंजला मुसव्विर से पूछें। मुसव्विर अवेलेबल ऑन कॉल? जी मुसव्विर। हेलो जी मैम। जी आप अवेलेबल होंगे? फोर्थ पर्सन इन हिज प्रोडक्शन, फोर चार लोग जो एक्ट करेंगे उसमें आप, आतिफ, आसिम और कायनात होंगे। अंजला आप मुझे अपना टाइम और वो बता देना, आपका क्या स्केड्यूल है, तो मैं आपको फिर एज सून एज पॉसिबल कम कर दूंगा। ठीक हो। अच्छा आतिफ आप क्लासेस मॉर्निंग में पढ़ा रहे हैं तीनों दिन? मैडम मेरी मंडे जो है वो होती है 1 to 3:30, ट्यूसडे को भी 1 to 3:30 to 4 o'clock तक जाती है, वेंसडे जो है वो मेरा जरा लंबा सेशन होता है अराउंड 12 till 5। अच्छा इसका मतलब है कि आप बेसिकली तीनों दिन आफ्टरनून आप एंगेज है ना, 3 afternoons आप एंगेज हैं, और आप मॉर्निंग में आप 12 बजे तक प्रिफर करते हैं कि कुछ ना करें। हाँ जी। तो कोई स्केड्यूल बचा ना जो हंजला बता रहा है? हाँ जी हाँ जी, आफ्टर तारी भी किया जा सकता है या फिर हंजला वाला काम अदरवाइज आपको थर्सडे को करना पड़ेगा, मतलब आफ्टर तारी भी कर सकते हैं और थर्सडे को। तो हंजला आपका तो जो कि जूम मीटिंग है, तो आई थिंक कि आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो दिन आप लोगों को सूट करता हो आप उसको, तीन तीन वीडियोज आप लोग कर रहे हैं ना, तो आप आई थिंक इनमें से किसी, आप इनको कोई एक डे सजेस्ट करते ना, फॉर इंस्टेंस अगर अगर आप अपना कब कर रहे हैं? मैम थर्सडे फ्राइडे भी दोनों दिन अवेलेबल है, और इनको दरमियान में अगर पॉसिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल लेंगे। हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हाँ आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, आपस में डिसाइड कर लें। प्रोबेबली अगर हंजला को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो बाय आप लोग शायद इसको वेंसडे आफ्टर अफ्तारी भी कर सकते हैं, तो आप जस्ट डिसाइड कि आप कब क्या कर रहे हैं। तो वेंसडे जैसे हम वो हमारा मैम अपना ग्रुप बना हुआ है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है। हाँ बस कायनात को बता दीजिएगा, पता चले ये उस वक्त चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी शूट कर रही है। ठीक है मैम। ठीक है कायनात, आप तो शायद कल शूट कर रही हैं है ना? जी प्लान तो अभी तक तो यही है अब। ऑल राइट, तो अगर आप कल शूट कर लेंगी तो फिर आप हंजला के लिए अवेलेबल हो सकेंगी ना, वो मीनवाइल आपसे उसको अगर आपस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो फिर आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मेरी भी बस क्लासेस होती हैं 3 दिन सुबह के टाइम पे। ऑल राइट, वो आप देख लेंगे। आपके 3 दिन कौन से हैं? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो बस हंजला आप याद रखिएगा कि ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं होंगी। वैसे भी कायनात आतिफ ने ये कहा था कि ये लोग आफ्टरनून में या शाम को करेंगे अफ्तारी के बाद, तो मेरा ख्याल है कि आपके टाइम से इनका क्लैश नहीं आएगा, टीचिंग टाइम से क्लैश नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑल राइट, वेरी नाइस। जी आतिर आपके पेशेंट्स ठीक हो गए? आतिर जी मैम, आपके पेशेंट्स ठीक हो गए? नहीं मैम, आपकी कास्ट में हाँ जी जी, लेकिन मैम मैं आज रात तो मैं रिहर्सल करवा रहा हूँ, मैंने एक और एक्ट्रेस का किया है मैनेज, तो वो होपफुली आज रात कहते हैं हम सब जो भी एक्टर्स हैं। अरे नाना क्लास हो रही है यार, तो
मैम मैंने एक और का किया, तो आज रात हम सब मिल रहे हैं और हम रिहर्सल करें। मैंने स्क्रिप्ट भी अपलोड कर दी है। चले मैं आपका स्क्रिप्ट देख लेती हूँ। सो या तो आप खुद शेयर कर लें। कितनी मूवमेंट है? चार गलियों की मूवमेंट है कि कम है? नहीं मैम अभी तो कम ही है, कोशिश की है उसको जितना कन्फाइन कर सके और थोड़ी सी स्टोरी को चेंज किया और, लेकिन वो है उसी तरह ही वन टेक में और खोल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, गुड। और कौन रह गया? मुसव्विर। आतिर, ये आपका स्क्रिप्ट है? यस मैम, ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा इसको मैंने किया हुआ, लेकिन इसको बस मैं उर्दू में, मैंने कल तो नहीं जा सका लेकिन मैं आज होपफुली इसको उर्दू के लिए भी इसका एक वर्जन जो है ना मैं टाइप करवा कर। हाँ मुझे थीसिस फिल्म रोमन में ना पढ़वाइएगा। नहीं मैम ये भी नहीं होगी ये, लेकिन बस आपको पता है फर्स्ट टाइम वो लिखना होता है तो उस वक्त लिख लिया था इसको बस उर्दू में। मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा। ये कितने हैं? दो पेजेस हैं, तीन पेजेस हैं? मैम फाइव पेजेस कहें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा फाइव पेजेस हैं, फाइव पेजेस में तो अच्छा खासा डायलॉग है। मैम बस लिखे तो हैं, एक पंजाबी फिल्मों को यूज किया है और उसके डायलॉग्स हैं। पंजाबी फिल्म्स के नेचुरल डायलॉग्स उठाए हैं या पंजाबी में लिखे हैं? मैं थोड़ी सी पंजाबी ही बोल रहा है एक एक्टर और कुछ, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है पंजाबी फिल्मों वाली, तो वो जैसे नवा या सोनिया इस तरह के जो होते हैं हमारे जो आइकॉनिक से डायलॉग्स हैं। अच्छा सुनाइए। जैसे यहाँ पे है मैम। नहीं नहीं शुरू से सुनाइए मैम, रीड शुरू से स्क्रिप्ट। हाँ हाँ रीड करते हैं। ओके। एक 10 साल का बच्चा अपनी बिस्किट्स और टॉफीज की टोकरी के साथ रोते हुए गली में चल रहा है। थोड़ा सा चलने के बाद वो दो आदमियों के पास से गुजरता है जो उस बच्चे को रोक लेते हैं। आदमी, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? बच्चा रोते हुए, मुझसे किसी ने पैसे छीन लिए हैं। आदमी, ओहो अच्छा रो नहीं, ये लो ये पैसे रख लो। आदमी अपनी पॉकेट से चंद 100 के नोट निकालता है और बच्चे को दे देता है। बच्चा अपने बाजू से आंसू साफ करके मुस्कुरा कर, बहुत शुक्रिया अंकल, आपके बिस्किट्स ले लें मेरे से। नहीं नहीं बेटा आप घर जाओ। बच्चा आगे बढ़ता है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और वो मुंह ही मुंह में कुछ बोल भी रहा है। बच्चा गली के कोने पर पहुंचता है और इधर उधर देखने के बाद वो अपनी जेब से ग्लिसरीन की शीशी निकालता है और अपनी आंखों में डालता है। बच्चे की रोने की एक्टिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो फिर गली में चल पड़ता है। एक और आदमी को रोक कर, दूसरा आदमी, क्या हुआ बेटा रो क्यों रहे हो? बच्चा, मेरे दिन भर के पैसे कहीं गिर गए हैं। और यहाँ से मैम कैमरा मूव फॉरवर्ड लीविंग देम बिहाइंड एंड स्टॉप्स नियर अ फुटपाथ वेयर शमा 35 से 40 साल की एक होमलेस औरत एक पुराने से गद्दे पर चादर लिए लेटी हुई है। शमा हाथ हिलाकर खुद से बातें कर रही है और लंबी सांसें भी ले रही है। शमा, लगता है आज का दिन मेरी आखिरी सामे चल रहा ने। मैम ये मैंने किसी से कंसल्ट करके फिर लिखवाए ताकि पंजाबी, क्योंकि मेरी ऐसे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। जिंदगी का रंगीन चिराग हुन आखिरकार बुझन आला है, हुन इस हवेली का ख्याल कौन करेगा? शमा खामोश हो जाती है जैसे कुछ सोच रही हो, पुरानी यादों में डूब गई हो। ए तूफान तो पहला दी खामोशी मेरे काना नू खा रही है। ओ सैया जी, ओ सैया आज जे तू टाइम नाल ना आया ते मेरी लाश
लाश दे कोल खलो के रोएगा, पछताएगा, अपने हाथों दे नाखून खांदा खांदा उंगली खा जाएगा। शमा अपने तकिए के नीचे से ग्लासियां निकालती है और अपने आंखों में डालती है जो थोड़ी ज्यादा डल जाती है। दूर फुटे मुंह इन्नी आंख विच ग्लासियां पा गई जे हुन आंख जाया हो गई ते पैसे तेरा प्यो देगा। किशू पड़ा मैंने, मैम वो अपने आपसे ही बातें करी है और साथ साथ इस तरह की मतलब डायलॉग्स बोल रही है। शमा अपने तकिए के नीचे से ग्लासियां निकालती है और अपनी शमा अपनी आंखों के चादर को चादर से साफ करती है और फिर अपने तकिए के नीचे से एक स्क्रिप्ट निकालकर उस पर नजरें दौड़ाने लगती है। हाँ हुन मैं तैयार हाँ, पर सरजी ए डायलॉग ते किसी मुंडे दे लगदे ने। अच्छा अच्छा मेरे ही ने, ठीक है नो इशू, तुसी टेक रेडी करो। वो अपने आगे स्क्रिप्ट रखती है और परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। शमा मार ओए डिप्टी, आज वेखने या तू भी किन्ना जुल्म कर सकना है ते असी भी किन्ना जुल्म सह सकने हो। तैनू पता होना चाहिए ऐ सर किसी दे सामने नहीं सिर्फ रब दी जात दे सामने झुकदा। शमा फंबल से और फिर स्क्रिप्ट पर नजर दौड़ाने लगेगी। सर वो पहले गाने पहले गाने आला, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा सर सर वो पहले गाने आला पोर्शन कर लेंगे फिर ऐ करांगे। मैं जरा गेटअप ठीक कर लूं। अब यहाँ गाना मैम ये गाना है लोग ही कहने हैं दुनिया गोल, किसी ने सुना? मैं तो गूगल से ही सारे क्लासिक पंजाबी सॉन्ग्स निकाले थे। तो अब यहाँ ये गाना लोग ही कहने हैं दुनिया गोल प्ले होगा जिस पे शर्मा लिप सिंक करके थोड़ा एक्सप्रेशन देगी और कैमरा जो है मैम फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और एक और शख्स के पास जाकर रुकेगा और वो है हमजा, एक 45-50 ईयर ओल्ड मैन। वो अपने एक दोस्त के साथ खड़ा हुआ शाहजी के साथ। अब वो दोस्त से अपने वो शाहजी से बात कर रहा है हमजा। हमजा साहब जो है वो कहते हैं ये तो अभी पता नहीं कैसे लोग मार्केट में आ गए हैं, कोई तरीका है ना कोई ढंग। करीब करीब कोई 40 दिन से कॉल्स करके जीना हराम कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारा वो पता नहीं क्या है वो यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं आपकी वीडियो लग जाएगी तो हमारा चैनल चल जाएगा। मैंने सोचा चलो हमारी वजह से उनकी रोजी रोटी चल जाएगी, अगर तो उनका भला हो जाएगा। वो यार मैं अकेला भी आ सकता था पर मैंने कहा अपने यार के साथ जाऊंगा, तेरी भी कोई लैक्स लाख बन जाएगी। इतने में पीछे से कुछ बॉयज की आवाज आती है, यूट्यूबर सर हम रेडी हैं। हमजा उनकी तरफ बढ़ता है, सर यहाँ इस तरफ आ जाएं। हमजा कैमरे की तरफ देखता है, देखता हुआ सेट होकर खड़ा हो जाता है। तो फिर बात है कि है कोई 1980 की वो सुल्तान रही साहब की बहुत मशहूर फिल्म है, क्या नाम है उसका, नाम निकल गया मेरे जहन से, पंजाबी समझ लेते हो यूट्यूबर? हाँ जी सर, चलो चलते हुए बताता हूँ। हमजा चलना शुरू करता है और कैमरा टीम उसे फॉलो करती है, उनके साथ साथ शाहजी भी पीछे पीछे। हाँ तो फिर सुनो, सुल्तान राई साहब की फिल्म सी, उस दे विच मेरे अब्बा जी भी सा एक साइड रोल कर रहे थे। उन्होंने एक डायलॉग किया और जागीरदारा को ख्याल कर मजलूम अवाम दा। ए डायलॉग सुनकर राही साहब ने मेरे अब्बा दे कंधे ते हाथ रख के कहा कि तेरा पूरा खानदान अदाकारा दा होगा इनशाला। हमजा स्टॉप्स बट कंटिन्यू स्पीकिंग। बस जी उस दे बाद मेरे अब्बा जी शूट मुका के घर एंटर ही हुए सी के दाई ने मेरे अब्बे दे हाथ विच मैनू फड़ाया। अब्बा मेरे ने मैनू सीने नाल ला के कहा ओए मेरा सर मजीद ऊंचा करी ओए। बस फिर उस दिन तो लेके आज तक बड़े बड़े करैक्टर कीते। मैम अभी यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स आएंगे और कुछ घोड़ों के, उनके वो आगे कभी घोड़े ते बह के नसना पया ते कभी ते कभी घोड़े नू नसाना पया। हमजा चेंजेस इज करेक्ट इनटू अ मैन विद गंडासा। फिल्म इंडस्ट्री नू अपनी जान दीती, कभी चौधरी दा दी बारोब आवाज ते कभी गरीब दी फरियाद, कभी मजलूम दा बुलंद किता हुआ नारा
ते कदी किसी टूटी हुई मादा सहारा ते इस रंगीली दुनिया विच बड़े रंग भरंगे किरदार किते यूट्यूबर तो कुछ अपनी फिल्मों के डायलॉग तो सुनाए अब हमजा पूरे अपने गेस्टर्स में आ जाता है और उसके साथ एक्ट करते हुए करता है इस सवेली दिया दीवारा ते आज खून की बारिश होवेगी जग्गा पहलवान आ गया है ते तेरे इरादे तैश नैश करके चला जाएगा हाँ जी मैम आप पूरा उड़ा देंगे बस खत्म होने वाला है मैम और हम फिर वो अपना करेक्टर चेंज करेगा मैम हमजा जो है साहब बहादुर जे तुसी इस मजदूर कौम दा ख्याल नहीं करोगे ते कौन करेगा दिन तू रात तक तुआडे एक इशारे ते हजारों इटें अपने कमर ते ढूंढ रहे हैं तो जे आज इस बशीर दी मां हस्पताल विच दाखिल हो गई है ते इसी ते इसे खर्चे वास्ते कुछ कर दो तुआडे अलावा साडा वाली वारिस कोई भी नहीं शाहजी अब शाहजी का कैरेक्टर जो है मैम वो नहीं होता है जो एक एक्टर के साथ साइडकिक सा होता है तो जो तालियां वगैरह बजाने के लिए वो इस तरह कर ओए होए वाह 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 हमजा लुक्स अराउंड फॉर अप्रूवल एंड एवरीवन क्लैप्स सारे ताली बजाते हैं अब हमजा फिर से चलना शुरू करता है तो बस जी उस दौर की अच्छी फिल्में दी फिल्में दे कुछ डायलॉग ने तो तुसी वेखो इन्हां विच जिंदगी का सबक मिलता है तो आजकल खैर छड्डो जी आजकल तो आर्टिस्टां दा बड़ा बुरा हाल है ना काम है ना पैसे ने सिर्फ अदाकारी है तो खैर किन्नी वड्डी लाइन राई साहब ने बोली मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं उमरदा सर वाह क्या बात है सर एक रिक्वेस्ट है अगर आप लास्ट पे एक म्यूजिक के साथ परफॉर्मेंस हो जाए तो जबरदस्त सीन हो जाएगा हमदा शाह जी को इशारा करता है और कुछ कदम आगे चलता है और पूरे शोखे अंदाज में मुड़ता है शाहजी गाना प्ले करते हैं और यहाँ पे एक एग्जैजरेटेड परफॉर्मेंस होती है मैम ये एक दो गाने मैंने भी डिसाइड नहीं किए इनमें से कौन सा गाना चलेगा तो दोनों मैंने लेकिन ऑप्शन लिख दिए एक तो नूर जहाँ का एक गाना है मैं क्लाशन कोफ डज डज करदा बहुत फनी सा एक है और एक गाना है वही के आशका तो सोना वो चिक ला ली तो इनमें से एक किसी पे वो परफॉर्मेंस देगा जिसके एंड में सब तालियां बजाते हैं और एंड पर जाते हुए आवाजें विसर्स लग रही यूट्यूबर हमजा को कुछ मतलब एरोगेंटली पैसे पकड़ाता है जल्दी जल्दी से और साथ साथ अपनी टीम को कहता है सामान पैक करो जल्दी से निकले यहाँ से क्योंकि वो फॉरन का काम हो गया यूट्यूबर का और वो अब वो बस चाह रहा है कि निकले यहाँ से हमजा पैसे पकड़ में रखते हुए शाहजी के पास आता है जो डिस्प्रेशन में हमजा की तरफ देख रहे हैं हमजा उनको कुछ पैसे निकाल कर देता है जाए शाहजी ऐयाशी करें हमजा वॉक्स अवे फ्रॉम देयर एंड कैमरा फॉलोज हिम ही इज हमिंग अ ट्यून ऑफ मुतियारों ने नी मेरे हान दे एक सैड सा सॉन्ग है मैम और स्लो सा ही स्टॉप्स नियर अ थड़ा एंड सिट्स कैमरा पैन्स आउट एंड वी सी जो बच्चा था और शमा जो थी वो सब साथ बैठे हुए हमजा के और साथ गाना मैम चल रहा है यही मुतियारों नी मेरे हान दे और एंड क्रेडिट्स आ जाते हैं अच्छा कितने मिनट से आते मैम ये कुछ 5 अबव भी होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक हाँ अगर टाइटल्स एंड क्रेडिट्स डालेंगे तो 5.5-6 मिनट बच जाएंगे जी लेकिन मैं क्योंकि अभी मैम थोड़ा सा यहाँ पे ना जैसे ये परफॉर्मेंस वाला है इसको हम ये कितनी इसमें आएगी ये तो आज रिहर्सल करेंगे हम तो देखेंगे ये जैसे यहाँ पर ये मैं क्लाशन को इसके ऊपर क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ एक लाइन तो लिखी है लेकिन इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है राइट तो परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो इसलिए हमको एक्टर्स कितने नंबर ऑफ एक्टर्स कितने 1-2-5 हैं मैम जो प्रॉपर मतलब स्पीकिंग 5-6 हैं बल्कि स्पीकिंग रोल्स में बाकी सिर्फ एक्स्ट्रा हैं मैं भी और ये आप कह रहे हैं कि गाने वाले पार्ट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए आप सिंगल शॉट में ये 5-6 लोगों से परफॉर्म करवा लेंगे ये विद सो मेनी डायलॉग्स यस मैम बिल्कुल करवा लेंगे क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहा हूं इस पर और एक हमने एक गली डिसाइड की है अंदरून में और वो आज जाएंगे भी अल्फला थिएटर के पास और
वहाँ हम एक एक गली से वो स्टार्ट करेंगे और फिर हम कहते हैं ना मतलब जो जो एक्ट है वो एक से कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक लेकर जाएंगे। रात को मैम आप कह रहे हैं आज रात शूट करेंगे? नहीं मैम, आज रात रिहर्सल करें और सब हाँ। वो भी कास्ट भी वहीं पे पहुंच रही है, हम एक कैमरा भी लेके जा रहा हूँ, मैं चीजें लेके जा रहा हूँ, एक हम कैमरा रिहर्सल कह लें, सीआर कह लें, करेंगे डायलॉग्स अपने पक्के करेंगे, अपनी चीजें ठीक करेंगे और कल इसको प्रोबेबली अगर हो सका तो कल शूट करेंगे। कल होगी आपकी 13 रमजान, तो रमजान में नाइट एक्टिविटी आजकल कंट्रोल में है कि ज्यादा है? मैम आजकल तो कम है क्योंकि सब बाजार वगैरह बंद हो जाते हैं, 6 बजे बंद हो जाते हैं जी, तो सुकून होता है अंदरून के अंदर भी। दिल्ली गेट कश्मीर दरबार कश्मीर बाजार कहाँ जा रहे हैं? मैम वो अभी अल्फला थिएटर के पास ही मुझे किसी ने कहा था, वो भी देखने जाएंगे, इसे सब कुछ है कि वहाँ चलते हैं और बाकी देखेंगे घूमेंगे फिरेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अल्फला आपका मीटिंग पॉइंट है और वहां से अंदरून जाएंगे? जी क्योंकि सब लोग आ रहे हैं जो भी एक्टर्स हैं ये हमजा वगैरह और टैक्सी क्या होता है, लेकिन आज के दिन तो भी रिहर्सल। हाँ मेरा ये ख्याल है कि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा कि डायलॉग डिलीवरी बहुत ज्यादा है और लोग बीच में डायलॉग अगर भूल गए तो आपका इतने सारे डायलॉग्स के साथ आप इसको मैनेज करना जो है सिंगल शॉट के अंदर, वो बस आपको जरा देखना है कि इतना ज्यादा डायलॉग आप सिंगल शॉट में आसानी से मैनेज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ऊपर से एक बच्चा डाला हुआ है, बच्चे की एज कितनी है? 10-12 साल का है, वो उसको भी पिक करना है आज इफ्तारी के फौरन बाद ही, मुझे घर से निकलना है और उसको पिक करते हुए और इक्विपमेंट भी साथ होगा। हाँ ठीक चले, एक ये है कि बच्चा चूंकि पहले है तो शायद आपकी कॉम्प्लिकेशन तो शायद फौरन ही सॉर्ट आउट हो जाए, बाकी तो सिंपली इतना है कि मुझे ये लग रहा है कि आपके एक्टर्स जो हैं वो बहुत दे कैन फॉरगेट डायलॉग्स, उसका क्या हल है? मैम एक तो प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम रात के टाइम करें तो हम डार्कनेस को यूज करें और हो सकता है बीच में कट भी लगाएं, लेकिन वो बिल्कुल ही कहते हैं ना हिडन कट्स होंगे, वो फिल्म में पता भी नहीं चलेंगे कि ये कट हुआ है यहाँ पर। और मेरे ख्याल में मैम कुछ ऐसा होगा, डायलॉग्स का इतने मुश्किल नहीं है क्योंकि जो पंजाबी वाले हैं वो पंजाबी, मैंने उनकी पहले चेक की थी कि वो पंजाबी से ही बोल लेते हैं। ठीक है चलें, अगर आपको लग रहा है कि अंधेरे का फायदा होगा आपको जो कि हो सकता है तो ठीक है गुड। डायलॉग अच्छा खासा है, ड्यूरेशन जो है वो आपकी उनकी डिलीवरी के हिसाब से आपकी ड्यूरेशन चेंज होगी, कौन कितना पॉज लेता है और पॉजेस कितनी देर से या कितनी जल्दी लेता है उससे ड्यूरेशन आपकी इफेक्ट होगी। तो अपेरेंटली आपके कोई 5-6 मिनट तो कहीं भी नहीं गए, तो ठीक है गुड। चलो बंद करूं स्टॉप शेयर? हाँ हाँ आप स्टॉप शेयर कर लें बेशक, और अच्छी अच्छी बात है आज आपका रिहर्स हो जाएगा, कल तक शूट हो जाएगा तो जी मैम इंशाल्लाह। नाइस ठीक है ऑल राइट, तो अब सिर्फ मुसव्विर आपने कुछ अपडेट देनी है, उसके बाद आई थिंक के आई वुड लेट यू गाइस गो ताकि आप अपना जो भी प्लान है उसको देख लें। जी मुसव्विर। बस मैम यही जिस तरह सब ने बताया कि मैं भी इसी तरह प्लान कर रहा हूँ, अपना 2-4 अपना शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा हूँ इस वक्त, चीजें देख रहा हूँ, कुछ ऑडियोज में पिक करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ऑडियो ओरिएंटेड चीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं भी बस वही देख रहा हूँ, होपफुली within 2-3 days इसको शूट करके मैं कंप्लीट कर लूंगा, लाइक मंडे ट्यूसडे तक मैक्सिमम इंशाल्लाह। स्क्रिप्ट कर ली आपने? मैम मोस्टली हो गया, मतलब कि जो आउटलाइन है वो लिख ली है, लेकिन उसको प्रॉपर शॉट्स में भी ब्रेक करना है। अच्छा चलिए ठीक है, तो जब आपका हो जाए तो फिर गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? जरूर मैम। ओके चलिए ठीक है ऑल राइट, तो कोई और चीज है तो बता दें। फर्स्ट लॉट की मैंने अटेंडेंस लगा दी, आई थिंक शायद सारे ही प्रेजेंट थे या हैं, क्यों आते
सभी प्रेजेंट है ना? जी मैम सारे ही हैं। अच्छा तो मैं बस ये फिर आपको ये नजर तो नहीं आ रही स्क्रीन की, नजर आ रही है? आतिर आप, मुझे लगता है कि हमारे सेमेस्टर में आपकी साइट पे काफी एक्टिविटी रहती है। हाँ जी मैम, शूट पे लेते हैं और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो सेटिंग तो फिर सब हो रहा होता है। ओके, पोस्ट वगैरह भी, एडिट भी। अच्छा चलें, वेरी नाइस। आपका अच्छी बात है, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। तो बस आप लोग फिर इसको प्लान कर लें, गेट डन विद इट, फिनिश इट, गेट रिड ऑफ इट। एक एक को अपने सिस्टम में से निकाल दें इस हफ्ते में, ताकि आपका ये काम शॉर्ट लिस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। तो मेरा ख्याल है कि काफी है फिर आज के लिए। कोई और चीज है तो बताइए। और ठीक है मैम, उस सबमिशंस का बता दें कि हमने जो प्रीवियस सारा काम किया था वो हमने अभी तक गूगल क्लासरूम में शायद अपलोड नहीं किया हुआ, तो वो सारों की फिल्म्स इकट्ठी होनी है और वो जैसे आपने कहा था ना सारों को अपलोड करना पड़ेगा बेशक ग्रुप वर्क को। हाँ वो तो मैंने इसलिए कहा था कि अभी तो खैर मुझे पता है कि क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम गूगल क्लासरूम में साथ साथ पोस्ट भी करते रहे थे जिस प्रोजेक्ट पे सब लोग काम कर रहे थे, तो अदरवाइज उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और हमने सिर्फ ये मुसव्विर वाले में शायद नहीं लिखा था गूगल क्लासरूम में कि कौन क्या रोल कर रहा था, तो वो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। और मुसव्विर आपका वही वर्जन फिनिश था कि आपने उसको फर्दर फिनिश किया कोई? मैम मैंने फीडबैक सुना था रिकॉर्डिंग में और ये है कि दो से तीन छोटे छोटे अपना एडिट्स की है जरूरत, वो ये कि वो मैं करके फिर मैं सबको दे दूंगा। वैसे मैंने दे दिया है सबको जिस जिसने मांगा, बस एक दो छोटे मोटे एडिट्स की जरूरत है, बस ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, मैं असल में इस वजह से भी पूछ रही थी कि वो मजेदार था, तो मेरा ख्याल था कि उसको फिनिश करना जो है वो अच्छा होगा, तो जो उसका फाइनल फिनिश करके आप उसको कर लें। वो तो आप जब उसको अपलोड कर देंगे तो आई नो दैट एवरीबॉडी वाज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, सो इट्स परफेक्टली फाइन। मैंने जो आपको बताया था वो मैंने पास्ट कॉम्प्लिकेशन की वजह से बताया था, जिसको हमने सॉर्ट आउट तो खैर कर लिया था। तो बेसिकली ये है कि साथ साथ ही पता होना चाहिए ना चीज़ें, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना। ओके गुड, ठीक है, चलिए ठीक है फिर। आप मेरा ख्याल है कि आज आपको जल्दी छोड़ देती हूँ। एंजॉय एंड स्टे सेफ और लेट्स फिनिश। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। एक चीज बता दें बिफोर गोइंग कि फर्स्ट ऑफ मई का क्या डिसाइड किया था मैम? हम शायद सैटरडे फर्स्ट रेगुलर क्लास करेंगे मैम, सैटरडे को ले ले, मंडे को तो फिर वो क्लासेस हमारी मतलब। हां मेरा भी ख्याल था यही था कि हम अगर सैटरडे को ही कर लें तो बेस्ट है, क्योंकि अदरवाइज हमें ड्यूरिंग द वीक मेकअप स्केड्यूल करना पड़ जाएगा। आई थॉट के वी शुड गेट देम आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, ऑल राइट, ओके ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।